तंत्रिप्ति सामासिक पद का विग्रह जो है वो षष्ठी तत्पुरुष के आधार पर तंत्रस्य युक्ति या तंत्रस्य युक्तयः इस प्रकार से किया जाता है। और जब हम तंत्र और युक्ति इन दो पदों का अलग अलग पदशः विचार करेंगे पदार्थ तंत्र युक्ति के आधार पर, तो हमें पता चलता है कि तंत्र यह शब्द जो है मूलतः तन धातु से बना हुआ है और उसे स्ट्रन प्रत्यय लगा हुआ है। और तन धातु का अर्थ है कि जिसको आप खींच सकते हैं, अगर हम हिंदी में बात करते हैं, या तो जिसका हम विकास कर सकते हैं, जिसको हम इलैबोरेट कर सकते हैं, जिसका विकसन या प्रसरण हो सकता है। इसी के साथ तन का अर्थ दूसरा एक अर्थ है, तन अर्थात टू कंपोज यानी निर्माण करना किसी भी नए तंत्र का या नए विषय का। और युक्ति जो पद है या युक्ति जो शब्द है, यह शब्द बना है युज धातु से, और युज धातु में जब तीन प्रत्यय जुड़ता है संस्कृत व्याकरण का, तब हमें युक्ति यह पद मिलता है। और उसका अर्थ है टू ज्वाइन, टू एम्प्लॉय, टू कंबाइन और टू प्लान। तो तंत्र और युक्ति इन दोनों का मिलाकर जब हम अर्थ जानते हैं या जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें तंत्र युक्ति इस पद की व्याख्या मिलती है। वो है जो टर्मिनोलॉजी या जो मेथोडोलॉजी आपको तंत्र का ज्ञान करने के लिए उपयुक्त है, वो है तंत्र युक्ति। ऐसे अगर हम तंत्र और युक्ति इन दो पदों के डिफरेंट मीनिंग्स अलग 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 शब्दकोशों में अगर अलग अलग अर्थ देखते हैं, तो तंत्र के विभिन्न अर्थ हमें प्राप्त होते हैं, जैसे लीडिंग प्रिंसिपल, इसेंशियल पार्ट, सिस्टम, डॉक्ट्राइन, रूल और थ्योरी, और साइंटिफिक वर्क एंड प्लान ऑफ ट्रेटिस। और युक्ति का जो व्यावहारिक अर्थ है, युक्ति अर्थात ट्रिक या कंजंक्शन, युक्ति यानी कारण या रीजन, युक्ति यानी कॉम्बिनेशन योग, युक्ति यानी प्लान, युक्ति अर्थात कनेक्शन ऑफ वर्ड्स है, और युक्ति या कंटेम्पलेशन। ऐसे अलग अलग अर्थ हमें अमरकोश शब्दकोश में या तो मोनियर विलियम्स की डिक्शनरी में जो है वो मिलते हैं। किंतु जब पदार्थ तंत्र युक्ति से ही हम तंत्र युक्ति इस पद का अर्थ देखते हैं, तो हमें यहाँ पर अर्थ का ग्रहण करना है, वो है तंत्र युक्ति इज द मेथोडोलॉजी और द टेक्निक और द सिस्टमिक अप्रोच ऑफ स्टडिंग अ तंत्र टू इंटरप्रेट इट्स करेक्ट अनएम्बिगुअस मीनिंग फॉर इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अर्थात किसी भी संहिता या शास्त्र का जब तक आपको सही प्रकार से अवबोध नहीं होगा, अर्थ प्रकटन नहीं होगा, तब तक आप उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या सही तौर पर उसका उपयोग नहीं कर सकते। और इसीलिए तंत्र युक्तियां जो है एक की के स्वरूप में, या जैसे हम व्यवहार में देखते हैं कि ताला है और ताले की चाबी होती है, चाबी के बिना कोई भी ताला नहीं खुलेगा, वैसे ही तंत्र युक्तियां जो है ये हमारे शास्त्र की या हमारे संहिताओं के चाबी के स्वरूप में कार्य करती है। कि जब आपको इन शास्त्रों पर लगा हुआ ताला खोलना है, ये ताला अर्थात कौन सा, कि किस प्रकार का ताला, कि इस शास्त्र का पूरी तरह से उचित प्रकार से आपको अर्थ प्राप्त करना है, तो तंत्र युक्ति रूपी इन चाबियों का आपको उपयोग करना पड़ेगा। तभी इस शास्त्र में जो भी अर्थ लीन है या अव्यक्त है या लेशोक्त है, उनका अर्थ आपको प्राप्त होगा। अगर इन तंत्र युक्तियों का आप उपयोग नहीं करेंगे, तो आप उचित अर्थ प्राप्ति जो है नहीं कर सकते। अब अतीतावेक्षा तंत्र युक्ति से ही या अतीतावेक्षा तंत्र युक्ति का उपयोग करते हुए हम तंत्र युक्ति इस कंसेप्ट या तंत्र युक्ति इस सिद्धांत का हिस्टोरिकल रिव्यू या इसकी ऐतिहासिक पार्श्वभूमि क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम आयुर्वेद की संहिताओं की ही बात करते हैं, बृहत्त्रयी की, तो बृहत्त्रयी में तो हर एक बृहत्त्रयी में किसी न किसी प्रकार से तंत्र युक्ति का वर्णन आया ही है। किंतु आयुर्वेद छोड़कर अन्य ग्रंथों में या अन्य शास्त्रों के कुछ टेक्स्ट में भी हमें तंत्र युक्ति का वर्णन मिलता है। जब हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तंत्र युक्ति का ऐतिहासिक तंत्र युक्ति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं, तो सबसे पहले चरक संहिता में, अर्थात चरक संहिता का अंतिम आठवां स्थान जो है सिद्धि
स्थान सिद्धि स्थान के 12वें अध्याय में अंततः हमें केवल 36 तंत्र युक्तियों का नामतः उल्लेख मिलता है। ये बात हम कर रहे हैं मूल चरक संहिता की, ना कि उसके किसी टीका की या किसी कमेंटेटर्स की। और अगर हम चरक संहिता का इतिहास देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आचार्य दृढ़बल के द्वारा ईस्वी सन की 4थी शताब्दी में चरक संहिता का संपूर्ण किया गया था। तो इसीलिए अधिक संभावना यह है कि पहले से तो चरक संहिता में तंत्र युक्तियों का वर्णन था ही, किंतु आचार्य दृढ़बल के द्वारा पुनः जब चरक संहिता का संपूर्ण किया गया तो उस वक्त उनके द्वारा इन तंत्र युक्तियों का नामतः उल्लेख हमें यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर अगर हम तंत्र युक्तियों की संख्या देखते हैं तो वो 36 है। इसके बाद चरक संहिता के ही व्याख्याकारों की हम बात करते हैं तो चरक संहिता का या आयुर्वेद के ही सर्वप्रथम व्याख्याकार का मान जिनको प्राप्त है, ऐसे आचार्य भट्टार हरिश्चंद्र के चरक न्यास इस व्याख्या के प्रारंभ में हमें सबसे पहले फिर से तंत्र युक्तियों का व्याख्यान मिलता है। किंतु यहाँ पर संख्या में भेद है। यहाँ पर चरक की 36 तंत्र युक्तियों में भट्टार हरिचंद्र के द्वारा और 4 तंत्र युक्तियों का अधिकांश वर्णन हमें मिलता है। उन्होंने और 4 तंत्र युक्तियां यहाँ पर ऐड की हुई है। और इनका अगर हम काल देखते हैं तो इनका काल है ईस्वी सन की 6थी शताब्दी। और भट्टार हरिचंद्र की व्याख्या का जो वैशिष्ट्य है कि इन्होंने व्याख्या के प्रारंभ में ही तंत्र युक्ति विचार नामक प्रकरण में यहाँ पर 40 तंत्र युक्तियों का नामतः उल्लेख किया है और उसके साथ साथ उनकी निरुक्तियां भी दी है, उनको व्याख्याकृत किया है और साथ ही चरक संहिता के ही कुछ एग्जाम्पल्स जो है उन्होंने उदाहरण के तौर पर वहां पर रखे हुए। इसके बाद जब हम देखते हैं तो आचार्य चक्रपाणी द्वारा लिखित आयुर्वेद दीपिका व्याख्या में, जो कि ईस्वी सन की 11वीं शताब्दी से बिलोंग करते हैं, वहां पर हमें फिर से तंत्र युक्तियों का डिटेल वर्णन मिलता है। किंतु यहाँ पर मूल चरक संहिता में जो 36 तंत्र युक्तियां बताई है उन्हीं 36 तंत्र युक्तियों का वर्णन आचार्य चक्रपाणी ने अपने व्याख्या में किया है और वहां पर भी उन्होंने चरक संहिता के ही कुछ उदाहरण, कुछ सूत्रों के उदाहरण जो है वहां पर दिए हुए हैं। इसके बाद चरक संहिता के ही व्याख्याकारों में फिर ईस्वी सन के 19वीं शताब्दी के आचार्य गंगाधर द्वारा जल्पकल्पतरु व्याख्या के अंत में, अर्थात सिद्धि स्थान के 12वें अध्याय के व्याख्या में हमें फिर से 36 तंत्र युक्तियों का ही वर्णन मिलता है। किंतु गंगाधर राय जी की विशेषता है कि यहाँ पर उन्होंने जो उदाहरण के तौर पर जो सूत्र दिए हैं वो चरक संहिता के भी उदाहरण है, उसके साथ साथ उन्होंने हर एक तंत्र युक्ति का सुश्रुत संहिता का उदाहरण, अर्थात सुश्रुत संहिता में प्राप्त होने वाले सूत्रों के साथ उनको व्याख्याकृत किया है। इसके बाद जब हम सुश्रुत संहिता यानी बृहत्त्रयी की दूसरी संहिता की बात करते हैं तो बृहत्त्रयी हो या लघुत्रयी हो या अन्य ग्रंथ हो, उनमें से केवल सुश्रुत संहिता ही ऐसा एकमेव ग्रंथ है कि जहां पर मैं आयुर्वेद के ग्रंथों की बात कर रही हूँ, क्योंकि आयुर्वेदेतर ग्रंथों में भी हमें विशेषतः जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, वहां पर भी हमें तंत्र युक्ति इस विषय को पूरा एक अध्याय का, इस विषय पर पूरे अध्याय का निर्माण देखने को मिलता है। किंतु जब हम आयुर्वेद के ग्रंथों की बात करते हैं या संहिताओं की बात करते हैं तो एकमेव आचार्य सुश्रुत है कि जिन्होंने तंत्र युक्ति इस विषय के लिए एक विशिष्ट अध्याय या एक अलग अध्याय का वर्णन किया हुआ है। और उत्तर तंत्र के 65वें अध्याय में, जिसका नाम भी है तंत्र युक्ति अध्याय, इस अध्याय में आचार्य सुश्रुत के द्वारा तंत्र युक्तियों का वर्णन मिलता है, जहां पर तंत्र युक्तियों की संख्या जो है वो 32 है। और सुश्रुत संहिता के निर्माण की या लेखन काल की अगर हम बात करते हैं तो फिर से ईस्वी सन के 4थी शताब्दी में आचार्य नागार्जुन के द्वारा जो है हमें सुश्रुत संहिता का पुनर्लेखन या उसका नवनिर्माण जो है देखने को मिलता है। इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं ऐतिहासिक पार्श्वभूमि के आधार पर कि यहाँ पर मूल सुश्रुत में तो तंत्र युक्ति विचार होगा ही, किंतु आचार्य नागार्जुन के द्वारा फिर से 4थी शताब्दी में इस विषय को उजागर किया गया। ऐसे ही जब सुश्रुत संहिता के व्याख्याकारों की बात करते हैं हम
तो 12वीं शताब्दी के आचार्य डल्हन के द्वारा अपने निबंध संग्रह व्याख्या में उत्तर तंत्र के इस तंत्रयुक्ति अध्याय पर लिखी हुई व्याख्या में हमें हर एक तंत्रयुक्ति का पूर्णतः वर्णन मिलता है। उसके साथ साथ सुश्रुत संहिता के ही उदाहरण जो है उन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। सुश्रुत संहिता के ही व्याख्याकारों की अगर आगे बात करते हैं तो फिर आचार्य डल्हन के बाद हरान चंद्र चक्रवर्ती जो कि ईस्वी सन की 20वीं शताब्दी से बिलोंग करते हैं, उनकी सुश्रुतार्थ संधिपंथ ये व्याख्या भी संपूर्णतः उपलब्ध है और प्रिंटेड और पब्लिश फॉर्म में भी है। और इस व्याख्या में फिर से हरान चंद्र चक्रवर्ती जी ने मूल सुश्रुत संहिता में उक्त 32 तंत्र युक्तियों का ही वर्णन किया है और वहां पर भी उन्होंने जो एग्जाम्पल्स है उदाहरण के तौर पर दिए हैं वो सुश्रुत संहिता के ही सूत्र दिए। जब हम बृहत्त्रयी की अंतिम संहिता अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय की बात करते हैं तो अष्टांग संग्रह के उत्तर स्थान में 50वें अध्याय के अंत में हमें फिर से इन 36 तंत्र युक्तियों का केवल नामतः उल्लेख मिलता है, चरक के समान ही। यहाँ पर तंत्र युक्तियों की संख्या और नाम इनकी इनका उल्लेख जो है चरक संहिता के समान ही देखने को मिलता है और इसका एक्सप्लेनेशन बाद में हमें इंदु की शशिलेखा व्याख्या में मिलता है। और अष्टांग हृदय की बात करते हैं तो अष्टांग हृदय उत्तर स्थान के 40वें अध्याय के अंत में जहां पर तंत्र गुणाहा ऐसे वर्णन आया है मूल सूत्र में, वहां उसकी व्याख्या में हमें अरुणदत्त के द्वारा जो है इसका पूर्णतः फिर से व्याख्यान मिलता है या डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है, किंतु हेमादे की व्याख्या में हमें तंत्र युक्तियों का न तो वर्णन मिलता है न तो वहां पर व्याख्यान मिलता है पूर्णतः। तो इस ऐतिहासिक पार्श्वभूमि के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ तंत्र युक्तियों की संख्या में भी भेद है और इस संख्या की अगर हम लिमिट या अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट एंड हायर लिमिट देखते हैं तो कम से कम 32 तंत्र युक्तियों का वर्णन तो है सभी आचार्यों के द्वारा या व्याख्याकारों के द्वारा हमें मिलता है। और सुश्रुत संहिता में हमें तंत्र युक्ति की जो संख्या बताई गई है वो 32 है। चरक संहिता में इन्हीं 32 तंत्र युक्तियों में और 4 तंत्र युक्तियां मूल संहिता में जोड़ी गई है, वो 4 अलग तंत्र युक्तियां हैं, प्रयोजन, प्रत्युत्सार, उद्धार, संभव। यहाँ पर आप सब जानते ही हैं तंत्र युक्तियों के नाम क्या है इसलिए हम अधिक विवेचन में नहीं जाएंगे। फिर विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो कि आयुर्वेदेतर ग्रंथ है वहां पर भी हमें 32 तंत्र युक्तियों का ही वर्णन मिलता है। इसके अलावा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें 32 तंत्र युक्तियों का ही वर्णन मिलता है। और सबसे अधिक तंत्र युक्तियों की संख्या बताने का जो श्रेय है वो चरक संहिता के प्रथम व्याख्याकार भट्टार हरिचंद्र जी को जाता है जिन्होंने कुल 40 तंत्र युक्तियों का वर्णन किया है कि जिसमें हेतु, परिप्रश्न, व्याकरण और विक्रांताभिधान ये 4 तंत्र युक्तियां उन्होंने अधिक जोड़ी है चरक संहिता के मूल 36 तंत्र युक्तियों। किंतु संख्या में भेद होते हुए भी हमें नामों में बहुत अंश तौर पर यहाँ पर सिमिलैरिटी या समानता मिलती है। कुछ ही नाम जो है अर्थ जो उस तंत्रयुक्ति से प्राप्त होने वाला अर्थ तो वही है, केवल नामाभिधान या उसका जो नाम रखा गया है, नामकरण किया गया है उन आचार्यों के द्वारा, उसमें थोड़ी सी भिन्नता जो है हमें मिलती है। जैसे कि सुश्रुत ने जिसे अतिक्रांतावेक्षण कहा उसी को ही चरक अतीतावेक्षण कहते हैं। और एक ध्यान देने योग्य बात है कि इन तंत्रयुक्तियों की संख्या और इन तंत्रयुक्तियों के नामकरण के संदर्भ में कि हर एक तंत्रकार ने, वो व्याख्याकार हो या मूल संहिताकार हो, उन्होंने सबसे पहले हमेशा ही अधिकरण तंत्र युक्ति का ही वर्णन किया है सभी तंत्रकारों ने और अंत में उह्य बताया है सुश्रुत आचार्य सुश्रुत ने। और उह्य का अर्थ ही है कि आप जो नहीं बताया गया है उसको और अधिक आपके ज्ञान के आधार पर उसे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आचार्य सुश्रुत ने पहले से ही एक आपको ओपन फील्ड देके रखा है कि उही तंत्र युक्ति के आधार पर, कि जरूरी नहीं कि तंत्र युक्तियां 32 ही हो या 36 ही हो या 40 ही हो, जिन जिन पदों का आपको उपयोग होगा, जिन जिन विधाओं का आपको शास्त्र को समझने के लिए और शास्त्र का उचित उपयोग करने के लिए उपयोग होगा, उन सभी को शायद आप तंत्र युक्ति
यह नाम जो है दे सकते हैं। अब ऐतिहासिक पार्श्वभूमि और संख्या भेद के पश्चात हमें देखना जरूरी है कि क्या जरूरत है, तंत्र युक्ति का अध्ययन अध्यापन करना क्यों जरूरी है या क्या उसकी जरूरत है। तो जब हम नीड या तंत्र युक्ति के प्रयोजन की बात करते हैं या बात देखते हैं तो चरक संहिता सूत्र स्थान में खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय में हमें एक सूत्र मिलता है, शास्त्रम ज्योति प्रकाशार्थम दर्शनम बुद्धिरात्मना ताभ्याम भिषक सुविताभ्याम चिकित्सन नापरध्यति। शास्त्र जो है ज्योति के समान कार्य करता है, वो आपको प्रकाश देने का कार्य करता है, किंतु उस प्रकाश में देखने का कार्य किसे करना है तो वो उस वैद्य को या उस अध्येता को या विद्यार्थी को अपने बुद्धि का उचित उपयोग करके उस शास्त्र के प्रकाश में उनको सभी विषयों का दर्शन करना है, अर्थात उन सभी विषयों को समझना है और सभी विषयों को समझने के पश्चात उनका उचित उपयोग करना है। किंतु केवल क्योंकि केवल सैद्धांतिक या थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो उपयोगी नहीं है। आपको बहुत सारे सूत्र याद रहते हैं, आपका श्लोक पाठांतरण अच्छा है या आपने बहुत सारे 2000-1000 श्लोक कंठस्थ किए हुए, उसका कुछ भी उपयोग नहीं है। अगर आप जब आप क्लिनिक में बैठते हैं और आपके सामने एक पेशेंट आता है और उस पेशेंट को आप उचित तरह से ट्रीटमेंट नहीं दे पाए या उसकी चिकित्सा नहीं कर पाए, क्योंकि आखिरकार हमारा जो शास्त्र है वो प्रायोगिक शास्त्र है, ये केवल सैद्धांतिक शास्त्र नहीं है। और इसीलिए सिद्धांतों का उचित प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत है वो है तंत्र युक्तियों की। और शास्त्र में हर एक चीज का वर्णन आपको नहीं मिलता है, क्योंकि शास्त्र को अपनी एक मर्यादा है कि कितना बताया जाए, क्योंकि अधिक बड़ा शास्त्र होगा तो अधिक बड़ा होने के कारण, वॉल्यूमस होने के कारण जो है लोग उसे पढ़ना नहीं चाहेंगे। तो शास्त्र की हमेशा या शास्त्र निर्माण की या तंत्र निर्माण की हमेशा एक विधा रही है कि जो भी विषयों का वर्णन है वो सूत्र रूप में किया गया है, और उन सूत्रों का अगर आपको उचित रूप से विवरण करना है तो उसके लिए आपको तंत्र युक्तियों का ज्ञान होना जरूरी है कि एक ही सूत्र का तंत्र युक्तियों का उपयोग करते हुए आप अलग अलग अर्थ कर सकते हैं अलग अलग आधार पर, और शास्त्र में जो नहीं बताया गया है वो भी आप इस तंत्र युक्तियों के आधार पर समझ सकते हैं। और इसीलिए जब आज इस वेबिनार या इस व्याख्यान माले में मुझे जुड़ने का अवसर क्यों मिला, तो उसका कारण है आज का जो COVID-19 का पैंडेमिक है। क्योंकि किंतु अगर आप आयुर्वेद की किसी भी संहिता को जब हम पढ़ते हैं तो COVID-19 इस प्रकार का कोई भी व्याधि का वर्णन हमें नहीं मिलता है। किंतु इसके जो भी हेतु है, इसके जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है, उनका वर्णन हमें बीज स्वरूप में या तो फिर निर्देश स्वरूप में अलग अलग संहिताओं में मिलता है, उसके लक्षणों का समान हमें वर्णन मिलता है, और इसी आधार पर जो उक्त है उसके आधार पर हम जो अनुक्त है उसकी भी चिकित्सा कर सकते हैं, उसकी भी उसको भी समझ सकते हैं। और इसीलिए जरूरत हमें पड़ती है या इसीलिए हमें जरूरत है वो है तंत्र युक्तियों की। अब इम्पोर्टेंस, सिर्फ जरूरत क्या है वो पता होना सफिशिएंट या काफी नहीं है, बल्कि इसका महत्व क्या है, इस विषय का उस विषय का महत्व भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये विषय हमें क्यों सीखना है, इसका उपयोग हमें कैसे करना है। तो तंत्र युक्तियों के महत्व की बात करते हुए चरक सिद्धि स्थान के अंतिम अध्याय में हमें एक सूत्र मिलता है, यथा अम्बुज वनस्य अर्कः प्रदीपो वैश्वनो यथा प्रबोधन प्रकाशार्थः तथा तंत्रस्य युक्तयः। यहाँ दृष्टांत दिया है आचार्य चरक ने, दो आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं और उनके आधार पर तंत्र युक्तियों का महत्व जो है उन्होंने प्रतिपादित किया। अंबुजवन अर्थात कमल वन, जो कमल अभी तक खिला नहीं है, वो कमल की पंखुड़ियां कब खिलेंगी, जब सूरज आएगा, जब प्रातः काल में सूर्योदय होगा, जब उस सूर्य के किरण जो है उस कमल के पंखुड़ियों पर पड़ेंगे तभी वो पंखुड़ियां जो है खिलेंगी, तभी कमल दलों का विकसन होगा और वो पूर्णतः हमें दिखाई देगा फूल खिला हुआ। ऐसे ही प्रदीपो वैश्वनो यथा दूसरा एक दृष्टांत दिया है, प्रदीप
अर्थात दिया या दीपक या लाइट, वैश्वाना अर्थात गृह। तो अगर घर में अंधेरा होगा तो उस घर में या उस विशिष्ट रूम में या कमरे में कौन सी चीजें हमें दिखाई नहीं देगी, किंतु अगर वहां पर दीपक जलता होगा तो उस दीपक के प्रकाश में हम वहां पर रखे हुए सभी चीजों को जान सकते हैं, देख सकते हैं, उनको हमें ज्ञान होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर तंत्र युक्तियों का महत्व बताते हुए आचार्य ने दो दृष्टांतों में बताया है कि अंबुज वनस्य अर्कः प्रबोधनार्थम, कि जैसे सूरज की किरणें कमल दलों को खिलने के लिए या उनके प्रबोधन के लिए जरूरी होती है, कि जो पहले से है ही वहां पर कमल दल तो है, किंतु जरूरी क्या है, उनका विकसन होना, उनका विकास होना। तो ऐसे ही शास्त्र के जो भी सूत्र है उनमें अर्थ तो पहले से भरा हुआ ही है, किंतु उस अर्थ का ज्ञान आपको कब होगा, जब आप इन तंत्र युक्तियों का उचित उपयोग करेंगे। अब यहाँ पर भी ध्यान देने योग्य बात है कि प्रबोधन, मूलतः अगर हम प्रबोधन इस पद को देखते हैं, इसकी व्युत्पत्ति देखते हैं, तो बुध बुद्धते धातु है कि जानना या ज्ञान होना। अब बोधन यह भी पद रख सकते थे यहाँ पर आचार्य चरक, किंतु वहां पर उन्होंने एक विशेष यहाँ पर एक उपसर्ग जो है वो जोड़ा है, वो है प्र, प्र परा आदि जो है 22 उपसर्ग हमें मिलते हैं संस्कृत व्याकरण में, और हर एक उपसर्ग का जो उपयोग है, या तो उपसर्ग आपको मूल धातु का अर्थ जो है वो अधिक विस्तार पूर्वक बताते हैं, या तो कम करते हैं, या तो मूल धातु के अत्यंत विरोधी अर्थ आपको देते हैं। तो यहाँ पर प्र उपसर्ग जानबूझकर या सोच समझकर आचार्य चरक ने यहाँ पर जोड़ा है कि प्रकर्षेण बोधनम, अर्थात शास्त्र में जो भी सूत्र या वाक्य लिखे गए हैं उनका प्रकर्ष पूर्वक अधिकांश रूप से बोधन आपको तभी होगा जब आप तंत्र युक्तियों का उपयोग करेंगे, यानी वो आपके सामने तो है लेकिन उनका ज्ञान आपको अच्छी तरह से या इनडेप्थ मीनिंग पता चलेगा जब आप तंत्र युक्तियों का उपयोग करेंगे। और दूसरा जो एग्जाम्पल या दृष्टांत दिया है, प्रदीपो वैश्मनो यथा, तो यहाँ पर जो विधा है वो प्रकाशन की है कि जो पहले से अंधेरे में था, जो दिखाई ही नहीं दे रहा था, वो अब आपको दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि वहां पर दीपक जल रहा है, तो उस दीपक के प्रकाश में आपको जो पहले दिखाई नहीं दे रहा था, जो अंधकार में था, उस वो उजागर होगा और वो आपको वहां पर दिखाई देगा। ऐसे ही है कि ज्ञान जो आपको रीडिंग इन बिटवीन द लाइन्स, कि जो लिखा ही नहीं है वहां पर सूत्रों में, वो नहीं बताया गया है सूत्रों का, अगर आप अर्थ करते हैं वाक्यशः या वाक्यार्थशः, तो आपको वो पता नहीं चलेगा, किंतु जब अर्थावयवशः इस विधा से आप तंत्र युक्तियों के आधार पर आप जब उन सूत्रों का अर्थ करने जाएंगे, तभी उन अर्थों का प्रकाशन जो है वो वहां पर होगा। और इस प्रकार से हमें दोनों तरह से तंत्र युक्तियां जो है वो उपयोगी होती है, जो शास्त्र में लिखा गया है उसको प्रकर्ष रूप से समझने के लिए, और जो शास्त्र में नहीं लिखा गया है वो भी समझने के लिए। और इसी तरह से तीन अलग अलग आधारों पर या तीन अलग अलग विधाओं का उपयोग करते हुए आचार्य चरक ने अन्वय व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति और अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति के आधार पर भी तंत्र युक्तियों का महत्व जो है वो प्रतिपादित किया है। अन्वय व्याप्ति के लिए उन्होंने जो सूत्र रखा है या जिस सूत्र का निर्माण किया है वो है, एक्सक्यूज मी जस्ट, वो सूत्र है एकस्मिन् अपि यस्यः शास्त्रे लब्धास्पदामति स शास्त्रम् अन्यदापि आशु युक्तिज्ञत्वात् प्रबुध्यते। जब आपको एक शास्त्र का ज्ञान है या एक तंत्र पूरा, जैसे चरक संहिता हो या सुश्रुत संहिता हो या कोई भी एक ग्रंथ हो, केवल आयुर्वेद नहीं, दर्शन है, व्याकरण है, इनको जब आप भली भांति अच्छी प्रकार से आप समझ गए हैं, तो उसके आधार पर आप तंत्र युक्तियों का उपयोग करके अन्य शास्त्रों को भी आप तुरंत ही जान पाएंगे। उसी के विपरीत ये रहा पॉजिटिव कोरिलेशन, कि एक आपको ज्ञात है तो उसके आधार पर आपको दूसरे शास्त्र का भी ज्ञान होगा। और व्यतिरेक व्याप्ति यानी निगेटिव कोरिलेशन क्या है,
इन तंत्र युक्तियों के ज्ञान के बिना अगर आप किसी भी शास्त्र को अध्ययन अध्यापन करते हैं तो आपको वो ज्ञान पूर्णतः प्राप्त नहीं होगा। आप किसी भी शास्त्र को पूर्णतः या अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे जब तक आप इन तंत्र युक्तियों का उपयोग नहीं करेंगे। और उसके लिए एक दृष्टांत या उदाहरण के तौर पर आचार्य चरक ने वहां पर लिखा है कि न अधिगच्छति शास्त्रार्थान अर्थान भाग्य क्षय था। जैसे अगर किसी व्यक्ति का भाग्य क्षय हुआ है कि जिसे हम कहते हैं कि पूर्व जन्मकृत जो उसके पुण्य संचय है या जो भी कर्म है उनका अगर जब क्षय हो जाएगा तो दैव का क्षय जब होगा तो उस व्यक्ति को किसी भी अच्छे कर्म की प्राप्ति नहीं होगी या अर्थ की प्राप्ति नहीं होगी। उसी तरह इन तंत्र युक्तियों के उपयोग के बिना अगर हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो उस शास्त्र का पूर्णतः उपयोग जो है हम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि बहुत सारे विद्यार्थी जब हम आज मैं एक मौलिक सिद्धांत विभाग की अध्यापक हूँ तो अन्य विभागों के विद्यार्थी या अध्यापक हमें हमेशा एक प्रश्न उपस्थित करते हैं कि हमारा क्या बिगड़ा आज तक, आप लोग जो है ये तंत्र युक्तियों का उपयोग करते हैं या तंत्र युक्तियों सिखाते हैं किंतु हमें इतना ज्ञान नहीं है, फिर भी हम तो आज क्लिनिकल प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, हम आज संहिताएं पढ़ ही रहे हैं। किंतु जब आप तंत्र युक्तियों का ज्ञान पूर्वक इनका उचित ज्ञान प्राप्त करके फिर आप वो शास्त्र पढ़ेंगे तब आपको जो उसका फर्क है तो पता चलेगा कि तंत्र युक्तियों के बिना आप शास्त्र पढ़ते हैं तो क्या अर्थ प्राप्त होता है, और तंत्र युक्तियों के ज्ञान के साथ आप जब स्वयं शास्त्र पढ़ रहे हैं, जब आप स्वतः सक्षम या समर्थ बन गए कि आप खुद किसी भी ट्रांसलेशन या किसी भी कॉमेंट्री का उपयोग ना करते हुए आप खुद इतने सक्षम हो गए कि आप स्वयं शास्त्रकर्ता ने या तंत्रकर्ता ने जो बात कही है वो समझने के लिए आप काबिल बन जाते हैं इस तंत्र युक्तियों का उपयोग करके। तो वो जो आनंद आपको प्राप्त होगा, जैसे अग्र संग्रह में भी कहा है तत्वाव बोधो हर्षनानम, तो ये तत्वाव बोध कब होगा आपको शास्त्र का कि जब आप इन तंत्र युक्तियों का उचित प्रयोग करेंगे और वो भी उनके उचित ज्ञान के साथ। और ऐसा ही आगे बताया अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति, यानी पॉजिटिव और निगेटिव कोरिलेशन दोनों भी एक ही साथ एक ही सूत्र में बताएं कि दुर्गृहितम क्षिणोत्येव शास्त्रम शस्त्रम इवाबुधम सुगृहितम तदेव ज्ञम शास्त्रम शस्त्रम च रक्षति। शास्त्र हो या शस्त्र हो वो किसी भी व्यक्ति समाज की रक्षा करने के लिए तभी सक्षम होगा जब वो उचित हाथों में गया है। अगर वो अनुचित हाथों में गया है शास्त्र हो या शस्त्र हो तो ना तो उस व्यक्ति के काम आएगा ना तो वो समाज के लिए उपयुक्त होगा। जैसे अगर हम यहाँ शस्त्र का दृष्टांत या एग्जांपल दिया, अगर एक शस्त्र की बात करते हैं हमेशा हम देखते हैं कि एक ही शस्त्र है, जैसे कोई गन हो तो एक सोल्जर के हाथ में या एक सैनिक के हाथ में हो कि जो बॉर्डर पे है तो वो अपने देश की रक्षा करने का कार्य करेगा, और वही शस्त्र वही गन या बंदूक अगर किसी अनुचित व्यक्ति के हाथ में गई, जैसे किसी क्रिमिनल के हाथ में, गुनहगार के हाथ में है तो वो किसी का मर्डर करने के लिए उसका यूज करेगा, या कोई अतिरेकी है या टेररिस्ट है वो वही शस्त्र का उपयोग जो है अनुचित प्रकार से किएगा जिससे समाज को उसका उपयोग ना बल्कि ज्यादातर समाज को उससे व्यापद होने की संभावना ही ज्यादा है। वैसे ही तंत्र युक्तियों का भी विषय ऐसा है कि जो उचित प्रकार से जब आप तंत्र युक्तियों के ज्ञान के साथ उस शास्त्र का ग्रहण करते हैं तो वो शास्त्र की रक्षा भी होगी और साथ ही साथ वो शास्त्र उस व्यक्ति के एवं समाज के दोनों के रक्षा के लिए जो है वो उपयुक्त रहेगा। क्योंकि अंतिमतः कोई भी शास्त्र हो वो किसी एक व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं होता बल्कि वो समाज की रक्षा के लिए उपयुक्त होता है, और यही अर्थ हमें यहाँ पर तंत्र युक्तियों के द्वारा ही प्राप्त होता है। तंत्र युक्तियों के ज्ञान के आधार पर हम ये सिद्धि जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब उसकी उपयोगिता या प्रैक्टिकल यूटिलिटी, एक एग्जांपल यहाँ पर है रखा हुआ है सूत्र के स्वरूप में कि रोगम आदौ परीक्षेत ततो अनंतरम औषधम। अगर हम ये आधा सूत्र ही अगर पढ़ते हैं
तो यहाँ पर क्या हमें पता चलता है कि रोग की परीक्षा कीजिए और उसके बाद औषध के द्वारा आप जो है उस व्याधि की चिकित्सा कीजिए। जब हम दूसरा चरण पढ़ते हैं तो वहां पर है ततः कर्म भिषक् पश्चात ज्ञान पूर्वम समाचरे। तो जब तक आप उचित तंत्र युक्ति अर्थात योग तंत्र युक्ति का यहाँ पर उपयोग नहीं करेंगे और आदो पद जो है आदो पद का योग यहाँ पर आपको रोगम इस पद के साथ भी करना पड़ेगा, उसके साथ साथ औषध के परीक्षा के साथ भी हमें आदो पद उपयोग करना पड़ेगा और फिर कर्म इस पद के साथ भी हमें आदो यह पद जो है जोड़ना पड़ेगा। अर्थात किसी भी रोग की चिकित्सा करने से पहले भिषक् के लिए जरूरी क्या है, तो सबसे पहले वो रोग की परीक्षा करे, उसके पश्चात वो औषध की परीक्षा करे, उसके पश्चात वो कर्म की परीक्षा करे और इन सभी की परीक्षा होने के पश्चात ही अंतिमतः फिर वो ट्रीटमेंट या एट एक्चुअल जो चिकित्सा करनी है उस व्याधि की या उस रुग्ण की उसकी तरफ वो आगे बढ़े। तो जब तक हम योग तंत्र युक्ति का यहाँ पर उचित प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हमें यहाँ पर उचित अर्थ की प्राप्ति जो है वो नहीं होगी। ऐसे ही तंत्र युक्ति की यूटिलिटी या उपयोगिता बताते हुए सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र में हमें और दो प्रमुख सूत्र मिलते हैं, वो है असद्वादि प्रयुक्तानां वाक्यानां प्रतिषेधनम् स्ववाक्य सिद्धिरपि च क्रियते तंत्र युक्तिता। अर्थात असद्वादियों के द्वारा जो वाक्य कहे गए हैं अर्थात परम इन शॉर्ट अगर हम देखते हैं तो वाद के दौरान तद्वित संभाषा हो या वाद के दौरान जब हमें स्वमत मंडन करना है और परमत खंडन करना है तो उसके लिए भी हमें तंत्र युक्तियां जो है वो उपयोगी है। और सुश्रुत उत्तर तंत्र में जो हम प्रबोधन की बात कर रहे थे आचार्य चरक के द्वारा जो प्रबोधन पद का उपयोग किया गया है उस प्रबोधन का ही और ज्यादा इलेबोरेशन या विकास जो है सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र के सूत्र में हमें मिलता है। व्यक्ता नोक्तास्तु ये अर्था लीना ये चापि अनिर्मला लेशोक्ता ये च केचित् स्युः तेषां चापि प्रसादनम्। तो यहाँ पर फिर से सुश्रुत के द्वारा या मूल तंत्रकर्ता के द्वारा फिर से विशिष्ट पद का उपयोग किया गया है, वो है प्रसाधन। यहाँ पर भी हमें प्र उपसर्ग पूर्वक साधन यह पद दिखता है तो प्र उपसर्ग हमें फिर से यहाँ अर्थ देता है प्रकर्षेण अर्थात विस्तार पूर्वक अधिक गंभीर स्तर पर या गूढ़ स्तर पर गूढ़ जितने भी सारे अर्थ है उन अर्थों का प्रसाधन करने का कार्य जो है वो तंत्र युक्तियां करती है। जो व्यक्त है उनका तो प्रसाधन वो करेंगे ही किंतु जो उक्त नहीं है या जो अनुक्त है या जो लीन है अर्थात अल्प उक्त है जो अनिर्मल है अर्थात जिनको आप प्रथम दृष्टिता या एट फर्स्ट साइट जो मीनिंग आप नहीं समझ सकते या लेशोक्त जो अल्पथा जिनका वर्णन है उन सभी का प्रसाधन करने के लिए तंत्र युक्तियां जो है वो सक्षम है। और तंत्र युक्तियों का प्रयोजन के संदर्भ में ही उत्तर तंत्र के 65वें अध्याय के प्रारंभ में ही हमें तंत्रकर्ता के द्वारा व्याख्यान मिलता है कि अत्रासाम तंत्र युक्तीनाम किम प्रयोजनम वाक्य योजनम अर्थ योजनम च। तो वाक्य योजना और अर्थ योजना ये मुख्यतः दो प्रयोजनों की सिद्धि के लिए जो है इन तंत्र युक्तियों का वर्णन किया गया है। तो वाक्य योजना का अर्थ क्या है, वाक्य योजना अर्थात पदों का अन्वय करना, एक सूत्र में या एक वाक्य में जो पद रखे गए हैं उनको उचित क्रम से उनको रख कर उसका उचित अर्थ प्राप्त करना वो है वाक्य योजना। और उसके लिए हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स या अधिकांश तौर पर जो तंत्र युक्तियां उपयोग में हम लाते हैं वो है योग तंत्र युक्ति या उद्देश्य तंत्र युक्ति। और अर्थ योजना अर्थात उस सूत्र एक प्रकरण में या एक अध्याय में जो भी अर्थ बताया गया है उन अर्थों का एक दूसरे के साथ संबंध क्या है। जैसे हम संहिता पढ़ते हैं तो सूत्र स्थान में जो विषय है वो फिर से हमें विमान स्थान में भी मिलता है या निदान स्थान में भी मिलता है या अन्य स्थानों
में भी मिलता है। तो इन अलग अलग स्थानों में, अलग अलग अध्यायों में, अलग अलग प्रसंगों में एक ही विषय का जो प्रतिपादन किया है, उनका एक दूसरे के साथ संबंध क्या है, उनका पूर्वापर क्रम क्या है, और उनको एक दूसरे के साथ जोड़कर हमें कैसे उस विषय को समझना है, इसके लिए भी हमें तंत्र युक्तियां जो है वो उपयुक्त है। इसके पश्चात एक ध्यान देने योग्य बात है कि सभी संहिताओं में तंत्र युक्तियों का वर्णन, संहिताएं अर्थात मूल संहिताओं की हम बात कर रहे हैं, ना कि टीकाकारों की बात कर रहे हैं, तो सभी संहिताओं में तंत्र युक्ति इस विषय का वर्णन जो किया गया है वो हर एक संहिता के या तो अंतिम अध्याय में, अंतिम स्थान में, या अंततः ही किया गया है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, या इसके पीछे क्या लॉजिक या रैशनल हो सकता है? तो पूरे तंत्र का निर्माण करने के बाद अंततः उस तंत्र को ताला लगा कर अर्थात उस तंत्र के अर्थ पर जो ताला लगा है, उस ताले की चाबियां जो है वो अंतिमतः यहाँ पर रखी गई कि इन चाबियों का उपयोग करके फिर आप फिर से जब उस तंत्र को पढ़ना चालू करेंगे, उसका पुनः पठन पाठन और उसका उपयोग करना चालू करेंगे, तो उस कार्य के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है, या सबसे ज्यादा के बिना हम कह सकते हैं कि जो जरूरी है कि उनके बिना हम ये कार्य कर ही नहीं सकते, वो है तंत्र युक्तियां। तो जब आपको फिर से उस तंत्र का या उस संहिता का पुनः अध्ययन, अध्यापन और प्रायोगिक उपयोग करना चालू करना है, तो हमें रिस्टार्ट कहाँ से करना है? जैसे कि हम देखते हैं कि रिस्टार्ट बटन हमें होता है कि फिर से हम पहले जगह पर आना चाहते हैं, तो हमें क्या जरूरी है? सबसे पहले उन तंत्र युक्तियों के द्वारा उनका ज्ञान करें हम तंत्र युक्तियों का, और उन तंत्र युक्तियों के उपयोग करते हुए फिर से हम उस शास्त्र को पढ़े और समझने की कोशिश करें। और इसीलिए ज्यादातर हमें तंत्र युक्तियां जो उपयोग में लानी पड़ती है वो है अधिकरण तंत्र युक्ति, योग तंत्र युक्ति, अतीतावेक्षा और अनागतावेक्षा। और इसके बाद ही आप प्रत्यक्षता अनुष्ठान में, यानी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो है इन तंत्र युक्तियों का उपयोग जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा व्याख्यान था वो पूर्णतः सैद्धांतिक आस्पेक्ट था, या थ्योरेटिकल आस्पेक्ट, कि संहिताओं में ये वर्णन कहाँ कहाँ पर आया है, कैसे आया है, और उनकी उपयोगिता क्या क्या बताई है संहिताओं में। किंतु आज जो हमारा अधिकरण है वो है एप्लीकेबिलिटी इन प्रेजेंट ईरा। तो इन तंत्र युक्तियों की एप्लीकेबिलिटी क्या है, उनकी उपयोगिता क्या है आज के युग में? तो फिर से हम पदार्थ तंत्र युक्ति का उपयोग करते हुए एप्लीकेबिलिटी इस पद को हम समझते हैं। एप्लीकेबिलिटी अर्थात द क्वालिटी ऑफ बीइंग रिलेवेंट और एप्रोप्रिएट, द फैक्ट और स्टेट ऑफ बीइंग पर्टिनेंट, यानी सातत्य, कौन सी उचित है, आज रिलेवेंट है या प्रासंगिक है आज के युग में भी। तो या तंत्र युक्तियां की आज कुछ उपयोगिता है कि नहीं है, इनमें इनका जो सातत्य है, इनके अध्ययन अध्यापन में इनका सातत्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये इस बात पर जब हम ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है कि जितने भी क्षेत्र है आयुर्वेद से संबंधित, उन सभी क्षेत्रों में आज ये तंत्र युक्तियां जो है वो एप्लीकेबल है, प्रासंगिक है, या वो रिलेवेंट भी है। और इसी के सिनोनिम, अगर समानार्थी शब्द हम देखते हैं थिसोरस में या डिक्शनरी में, तो हमें अलग अलग अर्थ मिलते हैं, वो कनेक्शन है, पर्टिनेंस है, रिलेवेंस है, या रिलेवेंसी है। तो इन सभी अर्थों के परिपेक्ष में तंत्र युक्तियां जो है आज के डेट में एप्लीकेबल है। तो क्या क्या पॉसिबल डोमेन्स है कि जहां पर तंत्र युक्तियां आज की डेट में एप्लीकेबल है? तो डोमेन्स या फील्ड्स या क्षेत्रों की बात करते हैं तो मुख्य तीन क्षेत्र पर हमें गौर करना पड़ता है। पहला क्षेत्र जो है वो है अध्ययन अध्यापन का, या एकेडमिक या शैक्षणिक क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र है क्लिनिकल प्रैक्टिस, या प्रत्यक्षतः जब आपको कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हो या कोई भी रुग्ण हो, उसकी जब आपको परीक्षा करनी है या उसकी चिकित्सा करनी है, तो उसके लिए तंत्र युक्तियां कैसे उपयोगी है। और थर्ड जो है आज की डेट का जो
कीवर्ड या आज के युग का जो कीवर्ड बना है रिसर्च, अनुसंधान या अन्वेषण, तो इस अन्वेषण या अनुसंधान के क्षेत्र में भी तंत्र युक्तियां कैसी उपयोगी। हेतल मैडम, मेरे मुझे कितना वक्त है अभी मेरे पास, तो उसके अनुसार हाँ डॉक्टर साहब बोल सकते हैं, जितना बोलना है उतना बोल सकते हैं, क्योंकि ये मंच है ना। हाँ हाँ नहीं नहीं सही मैं कह रही हूँ कि अपना जब यहाँ चलता था ना तो कभी 1.5 घंटा भी 2 घंटा भी ऐसा कुछ नहीं है, ये समय से पाबंद नहीं है, है ना। तो आपको जितना भी ऐसा लगे ना कि भाई नहीं इतना तो मुझे बताना है, वो सारा बता सकते हैं डॉक्टर साहब, है ना। ठीक है, धन्यवाद मैडम, जी जी आपने मुझे जो फ्रीडम दिया है छूटी, किंतु मैं समय मर्यादा का पालन करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि एक लेक्चर में या 1 घंटे में तंत्र युक्ति तो विषय है नहीं इतना इजी, या कि हम पूरा एक ही लेक्चर में उसको फिनिश कर सके या व्याख्यान कर कोई नहीं, हम आपसे दूसरे लेक्चर में भी सुनेंगे अभी इतना। हाँ जी हाँ जी, नहीं दूसरे लेक्चर में सुनेंगे कभी जैसे आपको समय मिलेगा तब, अभी आप जितना बताना चाहे हम लेने के लिए तैयार है। तीन क्षेत्रों में तंत्र युक्तियों का उपयोग किस किस प्रकार से हम एट एक्चुअल कर रहे हैं या हो सकता है, इस पर थोड़ा हम ध्यान देंगे। ये ओवरव्यू के स्वरूप में रखा है मैंने, ज्यादा हर एक ऐसा नहीं कि मैं हर एक तंत्र युक्ति को डिटेल पढ़ाऊंगी या डिटेल में हम जाएंगे। तो पहला क्षेत्र जो है वो एकेडमिक या टीचिंग लर्निंग, तो टीचिंग लर्निंग की अलग अलग या अध्ययन अध्यापन की अलग अलग विधाएं या मेथडोलॉजी जो है, चरक संहिता हो या सुश्रुत संहिता हो, अष्टांग संग्रह और हृदय में जो है वो बताई गई है। तो हृदय में हमें एक सूत्र मिलता है कि पाठ अवबोध और अनुष्ठान, हृदय के अंतिम अध्याय में। तो पाठ का अर्थ क्या है, मेमोराइजेशन, तो मेमोराइज द सब्जेक्ट लाइक वाइज, यानी पढ़ना, पाठ का शब्दशः अर्थ जो है पढ़ना, टू लर्न, टू अंडर। और पाठ अगर आप एक बार पठन करेंगे किसी भी संहिता का और उसका पूरा ज्ञान आपको हो गया, ऐसा होगा क्या, नहीं, ऐसा तो कभी संभव ही नहीं है कि हम एक पाठ ही तो नहीं है। आज तो हम अल्पमति अल्प बुद्धि वाले सारे व्यक्ति या सारे शिष्य है, उस काल के समान तो हम एक पाठी तो नहीं हो सकते, या बहुत सारा कंठस्थीकरण भी आज हम युग के परिणाम स्वरूप नहीं कर सकते। किंतु जो पाठ है या पठन है उसके लिए हमें तंत्र युक्तियां कैसे उपयुक्त है। फिर अवबोध, अवबोध अर्थात अंडरस्टैंडिंग, द डीपर लेवल ऑफ द और द नेक्स्ट लेवल ऑफ द पाठ और नेक्स्ट लेवल ऑफ द लर्निंग इज द अवबोध, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू हैव लर्न्ड। एंड लास्ट इज द अनुष्ठान, क्योंकि पाठ और अवबोध जो है ये दोनों सैद्धांतिक स्तर है, किंतु उनका प्रायोगिक स्तर जो आपको बताता है वो है अनुष्ठान, कि उस ज्ञान का सैद्धांतिक ज्ञान का या सिद्धांतों का आपको प्रयोग कैसे करना है या उनका उपयोग उनको उपयोग में कैसे लाना है। तो अधिष्ठान सॉरी अनुष्ठान अर्थात डू एज डायरेक्टेड, दैट मींस टू फॉलो द मेथड्स और गाइडलाइंस व्हिच हैव बीन कोटेड इन टेक्स्ट। तो ये पाठ अवबोध और अनुष्ठान, इन तीनों स्तरों पर भी हमें तंत्र युक्तियां जो है वो उपयुक्त है। और इसके टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी के अलग 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 विवरण जो है हमें चरक संहिता के अलग स्थानों में और सुश्रुत संहिता में भी मिलते हैं। जैसे चरक विमान 8 की हम बात करते हैं तो वहां पर तीन उपाय जो बताए हैं, अध्ययन अध्यापन तद्वित संभाषा। ऐसे सुश्रुत सूत्र स्थान 3 अध्याय में बताया है, जब वैद्य के गुण बताए हैं, वैद्य की क्वालिटीज, तो वहां पर बताया है वाक सौष्ठव, अर्थ विज्ञान, प्रागल्भ्य, कर्म नैपुण्य, तद अभ्यास सिद्धि, ये जो है ये सारे वैद्य के गुणों में इनका वर्णन आया है। ऐसे ही सुश्रुत उत्तर तंत्र में जब तंत्र युक्तियों के उपयोग के बारे में वर्णन आया, वहां पर वाक्य योजना, अर्थ योजना, अर्थ प्रसाधन, असद्वादी वाक्य प्रतिषेध और स्ववाक्य सिद्धि, और सॉरी चरक संहिता सूत्र स्थान अंतिम अध्याय में हमें यहाँ पर अष्ट प्रश्न या अष्टविध फिर से विधा मिलती है, वो तंत्र, स्थान, अध्याय और वाक्यांश। और वैसे ही तंत्रार्थ, स्थानार्थ, अध्यायार्थ, वाक्यार्थ और अर्थाव्योषा और प्रश्न प्रश्नार्थ। तो ये सारी जो विधाएं हैं, ये अलग अलग विधाएं जो निर्माण की गई है तंत्र के अध्ययन अध्यापन की,
उनका कहीं ना कहीं मूल जो है वो ये सारी तंत्र युक्तियां ही है। इन तंत्र युक्तियों का ही अलग अलग स्तर पर अलग अलग तौर से उपयोग करते हुए हमें इस शास्त्र का अध्ययन अध्यापन जो है वो करना है। तो इस क्षेत्र में अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में किस स्तर पर हमें तंत्र युक्तियां उपयुक्त हो सकती है, तो तंत्र युक्तियां जो है यहाँ पर तंत्र को समझने के लिए उपयोगी है हमें, टू अंडरस्टैंड द तंत्र। इसके साथ साथ टीचिंग के लिए यानी अध्यापन के लिए जरूरी है। तद्वित संभाषा या तो वो जल्प हो या संध्याय संभाषा हो या विग्रह संभाषा हो, उन दोनों संभाषाओं के लिए तंत्र युक्ति उपयोगी। ऐसे ही कंपोजिशन ऑफ तंत्र यानी नए तंत्र के निर्माण के लिए या तंत्र के लेखन के लिए भी या साहित्य निर्माण के लिए भी तंत्र युक्तियां जो है वो उपयुक्त है। वो किस तरह से है वो हम कुछ आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। जैसे तंत्र युक्ति फॉर अंडरस्टैंडिंग द तंत्र, तो यहाँ पर कौन कौन सी तंत्र युक्तियां हमें अधिकांश विद्या उपयुक्त है, तो योग तंत्र युक्ति। जब तक आप किसी भी तंत्र का या एक शास्त्र में जो बताए गए अलग अलग विषय है या सूत्र है उनका एक दूसरे के साथ उचित प्रकार से संबंध नहीं करेंगे, उनको जोड़ेंगे नहीं, योग तंत्र युक्ति का उपयोग नहीं करेंगे, तब तक आप उस तंत्र को नहीं समझ पाएंगे। ऐसे ही हेतवर्थ अर्थात जो विषय का प्रतिपादन एक जगह पर किया है उस विषय का जो उपयोग है या उसका एप्लीकेशन जो है वो हमें दूसरी जगह पर जब करना है तो उसके लिए हमें हेतवर्थ तंत्र युक्ति जो है वो उपयोगी है। जैसे इसका एग्जाम्पल जो चरक संहिता में ही हमें मिलता है, समान गुणाभ्यासो ही धातुनाम वृद्धि कारण। ये मूल सूत्र तो आया सूत्र स्थान के 12वें अध्याय अर्थात वातकलापली अध्याय में, किंतु ये सूत्र क्या केवल वात के क्षय वृद्धि के संदर्भ में है या वात वृद्धि के नहीं, बल्कि जो भी तीनों दोष है, धातुएं हैं, मल है, उपधातुएं हैं, इन सभी के क्षय और वृद्धि के लिए आप इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं और सामान्य विशेष सिद्धांत के आधार पर आप उस सूत्र को समझ सकते हैं। ऐसी अर्थापत्ति कि जो शास्त्र में बताया गया है उसके आधार पर जो नहीं बताया गया है वो आपको समझना है। जब एकांगिक विषय का वर्णन किया गया है या विषय सर्वांगीण विषयों एक विषय का सभी दृष्टिकोण से या सभी एंगल से विवरण एक ही संहिता में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक कुछ समय की मर्यादा है या हमें अध्ययन अध्यापन की जो मर्यादा है, तो जब जितना बताया गया है उसके आधार पर हमें समझना है जो कि नहीं बताया गया। वैसे ही वाक्य कि मूल सूत्र में तो आपको वो पद नहीं मिलता है, किंतु उस वो पद जोड़ने के बाद ही या वो अक्षर या तो वो अक्षर हो सकता है या तो वो पद हो सकता है, कोई एक विशिष्ट इट कैन बी अ लेटर और इट कैन बी अ वर्ड, वो जोड़ने के बाद ही आपको उस सूत्र का पूर्णतः अर्थ प्राप्त होगा। फिर परिप्रश्न अर्थात पूर्व पक्ष की कौन सी शंका उत्पन्न हुई या प्रश्न किस प्रश्न स्वरूप में इस अध्याय का निर्माण किया गया। जैसे बहुत सारे अध्याय में देखने को मिलते हैं कि उनका विवरण जो है प्रश्नोत्तर स्वरूप में है, गुरु शिष्य संवाद स्वरूप में है, कि शिष्य के द्वारा कुछ प्रश्न जो है वो उपस्थित किए गए, कुछ शंकाएं उपस्थित की गई, उनको पूर्व पक्ष में रखा गया है और उसके पश्चात विषय का वर्णन जो है हमें देखने को मिलता है। ऐसे ही निर्देश, व्याकरण और पदार्थ तंत्र युक्तियां जो है वो हमें तंत्र को समझने के लिए जो है और तंत्र के अर्थों का प्रसाधन करने के लिए जो है वो जरूरी होती है। इसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम पदार्थ तंत्र युक्ति को देखते हैं तो ये सूत्र तो बहुत फेमस है, सभी हम जानते हैं, इवन हमने बीएमएस के फर्स्ट ईयर में भी इसको कंठस्थ किया होता है। विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुःखमेव च। तो इस सूत्र में हमें सबसे अधिक तौर पर हमें जो उपयोग करना है वो है पदार्थ तंत्र युक्ति, क्योंकि यहाँ पर जो है पदार्थ तंत्र युक्ति के आधार पर व्याख्या की गई है विकार और प्रकृति इनकी। प्रकृति जो शब्द है, तो प्रकृति शब्द चरक संहिता की ही अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग स्थानों में अलग अलग अर्थ में इस पद का
उपयोग किया गया है, किंतु इस प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में या इन स्पेसिफिक रेफरेंस टू दिस कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर प्रकृति अर्थ से हमें केवल धातु साम्य ही समझना है, न कि प्रकृति से हमें देह प्रकृति या मन प्रकृति या देह प्रकृति से हमें सृष्टि उत्पत्ति का कारण ये नहीं समझना है बिल्कुल, किंतु धातु साम्य यह अर्थ आपको पदार्थ तंत्र युक्ति का उपयोग करते हुए यहाँ पर समझना है। वैसे ही विकार, विकार पद या विकार शब्द जो है, आपको चरकशारी स्थान में विकार का वर्णन जब मिलता है तो वहां पर सृष्टि उत्पत्ति के संदर्भ में या पुरुष के उत्पत्ति के संदर्भ में विकार यह पद भी आया है, किंतु यहाँ पर सूत्र स्थान के 9वें अध्याय में जब हम विकार पद का उपयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें विकार से अर्थ समझना है धातु वैषम्य। तो इस प्रकार से हम पदार्थ तंत्र युक्ति का उपयोग कर सकते हैं और पदार्थ तंत्र युक्ति के उपयोग पर हम उचित अर्थ ग्रहण जो है वो कर सकते हैं। ऐसे ही योग तंत्र युक्ति, ये भी बहुत ही फेमस सूत्र है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि वात कला कली अध्याय में आया है, जब पहले वात के कला कला बता उनका वर्णन हो गया, उसके पश्चात उद्देश्य स्वरूप में पित्त और कफ के संदर्भ में वर्णन मिलता है कि अग्निरेव शरीरे पित्तांतर्गत कुपिता अकुपिता शुभा शुभानि करोति। तो यहाँ पर अगर हम योग तंत्र युक्ति का उचित उपयोग नहीं करेंगे तो जो अर्थ यहाँ पर तंत्रकार कहना चाहते हैं वो हम नहीं समझ पाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं स्लाइड पर कि मैंने कुपित और अशुभ ये शब्द जो है वो रेड फॉन्ट कलर में हाईलाइट किए, क्यों? क्योंकि जब हम पदों का अन्वय कर रहे हैं, अगर हम पद अन्वय करते वक्त ऐसा अन्वय करते हैं कि अग्नि ही एव शरीरे पित्तांतर्गत कुपिता शुभानि कर्माणि करोति और अकुपिता अशुभानि कर्माणि कुरुति, ऐसा सॉरी अशुभानि कर्माणि करोति, ऐसा अगर हम पदों का अन्वय करते हैं तो अर्थ क्या प्राप्त होगा कि अग्नि जो है वो शरीर में पित्तांतर्गत रहते हुए या पित्त में स्थित होते हुए जब कुपित होगा तो वो शुभ कर्म करेगा और अकुपित होगा तो अशुभ कर्म करेगा, किंतु अर्थ क्या है यहाँ पर कि कुपित अशुभानि। तो जब तक आप पदों का अन्वय योग तंत्र युक्तियों के आधार पर सही नहीं करेंगे तो आप अत्यंत विपरीत अर्थ यहाँ पर प्राप्त करेंगे और आप समझेंगे कि अग्नि जो है जब वो कुपित है या विकृत है तो वो शुभ कर्म करेगा और अकुपित या अविकृत है तो अशुभ कर्म करेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर सोम के संदर्भ में या श्लेष कफ के संदर्भ में भी सेम सूत्र है, वहां पर भी हमें योग तंत्र युक्ति का उपयोग जो है वो करना पड़ता है। अब तंत्र युक्तियों का उपयोग टीचिंग के लिए या अध्यापन के लिए कैसे हो सकते हैं? जैसे हमारा कोई भी एक क्लास है, दिस पर्टिकुलर क्लास, अगर हम आज के लेक्चर की अगर बात करते हैं तो अधिकरण तंत्र युक्ति, अधिकरण अर्थात क्या, मुख्य प्रतिपाद्य विषय और द टॉपिक ऑफ इलैबोरेशन। तो आज के हमारे व्याख्यान का विषय है एप्लीकेबिलिटी ऑफ तंत्र युक्ति इन प्रेजेंट ईरा। तो ये क्या हुआ, अधिकरण। तो जब भी हम अध्यापक या जो विद्यार्थी है वो कल अध्यापक बनेंगे, जब आप क्लास में जाएंगे आपके और आपके विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे तो वहां पर भी एट एक्चुअल आप इन तंत्र युक्तियों का ही उपयोग करते हैं। जैसे आज हमने क्लास के प्रारंभ में या व्याख्यान के प्रारंभ में कहा कि आज हम जो चर्चा करेंगे वो तंत्र युक्तियों के एप्लीकेबिलिटी की करेंगे, तो ये जो है आज के हमारे व्याख्यान का अधिकरण हुआ। तो प्रयोजन, इसकी जरूरत क्या है, ऐसे ही अगर हम सपोज दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि आज मैं क्लास में गई फर्स्ट ईयर बीएमएस के या फर्स्ट एमडी के और मुझे त्रिदोष सिद्धांत पढ़ाना है, तो मेरे आज के क्लास का या आज के लेक्चर का अधिकरण है त्रिदोष सिद्धांत। फिर हम बताते हैं कि प्रयोजन, हमें ये सीखना क्यों है, त्रिदोष सिद्धांत पढ़ने की जरूरत क्या है। अतीतावेक्षा अर्थात आज के पहले या कल के लेक्चर में, यस्टरडे के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि हमने सिद्धांत क्या है ये कल पढ़ा था और आज उसी के कंटिन्यूएशन में हम उसमें से सबसे पहला सिद्धांत या मूलभूत सिद्धांत जो है त्रिदोष सिद्धांत आज पढ़ने वाले हैं।
तो कल के लेक्चर के साथ या यस्टरडेज के लेक्चर के साथ आज के लेक्चर का कनेक्शन या उसका योग करते हुए अतितावेक्षा तंत्र युक्ति का उपयोग करते हुए हम आज के लेक्चर में जैसे आगे बढ़े। फिर उद्देश्य, उद्देश्य अर्थात संक्षेप संक्षेपतः वचन या इन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो उद्देश्य में हम बताते हैं कि त्रिदोष ये उद्देश्य, जैसे तीन दोष है वाक पित्त कफ, यह हुआ उद्देश्य संक्षेपतः वचन। प्रदेश, अगर उन त्रिदोषों में से आज के लेक्चर में मैं केवल वात दोष की ही बात कर रही हूँ, केवल उसमें से एक ही प्रदेश का वर्णन कर रही हूँ, तो वो है प्रदेश। निर्देश अर्थात विस्तर वचनम निर्देशा की व्याख्यान या पूर्णतः उसका विस्तार पूर्वक विवेचन, जितना भी उसका डिस्क्रिप्शन हो सकता है सभी प्रकारों से, वो है निर्देश। तो वात दोष ये उद्देश्य हुआ, तो वही वात के कला अकला या वात के गुण कर्म, कुपित वात के लक्षण अकुपित वात के लक्षण, उनके कर्म उनके गुण, ये जो हुआ ये निर्देश हुआ। अनेकांत, फिर वात के कला और अकला के संबंध में क्या अलग अलग पक्ष रखे गए हैं अलग अलग आचार्यों के द्वारा या अलग अलग संहिताओं के द्वारा, जैसे या जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, जैसे चरक संहिता की ही बात करते हैं तो सूत्र स्थान के पहले अध्याय में वात के गुण जो है हमें अलग मिलते हैं, संख्या अलग मिलती है, वही वात कला कली अध्याय में वात के गुण अलग है और वात की संख्या अलग है। तो ये अनेकांत यानी उसी विषय के संदर्भ में जो अलग अलग पक्ष हम रखेंगे या वो जो उनका विचार करेंगे वो है अनेकांत। फिर परिप्रश्न या पूर्व पक्ष अर्थात विद्यार्थी के द्वारा उपस्थित की गई शंका या डाउट कि जब आज मैं पढ़ा रही हूँ या एक अध्यापक अपने क्लास में त्रिदोष सिद्धांत पढ़ा रहा है तो वहां पर विद्यार्थी के मन में कोई शंका उपस्थित हुई, कोई डाउट उपस्थित हुआ, तो वही वो जो है वो है परिप्रश्न या पूर्व पक्ष। फिर उस शंका का समाधान करते हुए अध्यापक ने अंतिमतः जो कंक्लूजन के रूप में या तो फिर हम प्रतिज्ञा का ही पुनरुच्चारण करते हैं निगमन के स्वरूप में, वो है निर्णय कि क्लास के एंड में आज हम कहें, फिर से हम कहते हैं कि हाँ तो इस प्रकार से हमने वात दोष के गुण कर्मों का आज अध्ययन किया या आज हम आज ये विषय हमने सीखा, तो वो निर्णय है इसके साथ या निगमन है। और उसी के साथ निर्णय अर्थात कौन से गुण है वात के और कौन से कर्म है और उनके द्वारा वो कैसे कुपित और अकुपित कर्म जो है वो करता है और अंत में अनागतावेक्षा अर्थात इन टुमोरोज लेक्चर व्हाट वी विल लर्न और इन नेक्स्ट लेक्चर हाउ वी विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक और वेदर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक इन टुमोरोज लेक्चर और इन नेक्स्ट लेक्चर दैट इज नथिंग बट द अनागत। So this is how we are actually using the Tantra Yuktis in our teaching or in our day-to-day each and every class also. Next, Tantra Yukti is useful for debate. वाद संभाषा के लिए, फिर वो जल्प हो या वितंडा हो, उसके लिए कौन कौन सी तंत्र युक्तियां जो है वो यूजफुल है, उन तंत्र युक्तियों का यहाँ पर मैंने इनको यहाँ पर रखा गया है कि अधिकरण कि आज की वाद का विषय क्या है, वाद के कला और अकला है, इसके हेतु क्या है, योग अर्थात विषयों को हमें एक दूसरे के साथ कैसे जोड़ना है, पूर्व पक्ष अर्थात इट इज नथिंग कुड बी इट कैन बी अवर रिसर्च क्वेश्चन आल्सो पूर्व पक्ष कि किस प्रश्न का समाधान करने के लिए, किस शंका का समाधान करने के लिए हम रिसर्च करने वाले हैं या हम इस वाद के प्रति आगे बढ़ने वाले हैं, वो है पूर्व पक्ष। निर्णय अर्थात अंतिमतः जाके हम किस कंक्लूजन तक पहुंचे वो निर्णय। स्वसंज्ञा यानी टेक्निकल टर्म्स और द कीवर्ड्स इन टुडेज इरा दैट कुड बी द स्वसंज्ञा। उह्य अलग अलग विषयों के अलग अलग संदर्भों के रेफरेंसेस के आधार पर जब हम विषयों को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे और उनके आधार पर हम विषय को समझेंगे वो है। विकल्प अर्थात इसके संदर्भ में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है इस विषय के संदर्भ में या जब हम अलग अलग पक्ष जो है या जो संभाषा कर
पता है वो अपने अपने पक्ष रखेंगे, तो वो विकल्प के तौर पर या एकांत के तौर पर हमें समझना है। ऐसे ही तंत्र की यूजफुल फॉर कंपोजिशन ऑफ टेक्स्ट या तंत्र के निर्माण के लिए, तो तंत्र का निर्माण आज जब भी हम कोई बुक लिखते हैं या एमडी पीएचडी के सिलेबस में एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम जब हम थीसिस लिखते हैं, डिसर्टेशन लिखते हैं या उनकी शोध रूपरेखा के स्वरूप में जब सबसे पहले हम एमडी फर्स्ट ईयर या पीएचडी फर्स्ट ईयर स्टार्टिंग में जब हम सिनॉप्सिस सबमिट करते हैं या तो हम थीसिस या अपना वर्क कंप्लीट होने के बाद जो रिसर्च पेपर लिखते हैं, nowadays it is said that IMRAD format you should follow, that introduction, materials and methods, research and discussion and conclusion. तो IMRAD format हो या तो thesis के contents हो, dissertation के contents हो, they are all nothing but the different applications of these tantriktis only. जैसे title है आपका, तो title is nothing but the अधिकरण. जब आप abstract लिखते हैं, paper का abstract हो, thesis का abstract हो या आपका थीसिस का सिनॉप्सिस है, वो आप इन शॉर्ट बता रहे हैं, दैट इज नथिंग बट द उद्देश्य तंत्रयुक्ति. देन रिव्यू ऑफ प्रीवियस रिसर्च वर्क्स बिफोर गोइंग टू आवर एक्चुअल रिसर्च वर्क और बिफोर प्रोसीडिंग टू आवर रिसर्च वर्क, व्हाट वी डू, वी रिव्यू और वी कंपाइल द डाटा और द कंक्लूजन्स ऑफ द प्रीवियस रिसर्च वर्क्स, दैट इज नथिंग बट द अतीतावेक्षण. देन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, व्हाई we have taken up this particular project or this particular research work, that is nothing but the prayojan. And then the data of our observations, what we have actually received or what we have actually found during our research work, that can be stated in terms of the nirdesh, pradesh or samuchay. Nirdesh, that means the vistar purvak vachan, pradesh, that is ekang एक प्रदेश विवेचन, और समुच्चय की सभी मतों को, सभी अलग अलग उदाहरणों को हम एक साथ रखेंगे, डाटा को हम कंपाइल करेंगे और उसके बाद जो है हम एनालाइज करेंगे डाटा को. तो ऐसे डिस्कशन पार्ट जो है, डिस्कशन पार्ट में हम एट एक्चुअल्स यूज करते हैं, वो है अपदेश तंत्रयुक्ति, उह्य और अनेकांत. क्योंकि डिस्कशन में हम पूर्व रिसर्चर्स का भी, प्रीवियस रिसर्चर्स का भी मत रखते हैं, इसके साथ हमारे रिसर्च वर्क्स में हमें क्या रिजल्ट्स मिले वो भी रखते हैं. ऐसे हम अलग अलग पक्ष या मत रखते हैं और उसके पश्चात उह्य इज नथिंग बट जब जो पंचावयवी न्याय वाक्य का उपनय है उसका हम यहाँ पर उपयोग करते हैं, उह्य तंत्रयुक्ति के आधार पर, और हम डिस्कशन लेते हैं. एंड लास्टली द कंक्लूजन, कंक्लूजन इज नथिंग बट द निर्णय और द निगमन या नियोग की जो अंतिमतः आपको प्राप्त हुआ वो है निर्णय. ऐसे ही तंत्रयुक्तियां जो है लिटररी रिसर्च के लिए भी हमें उपयुक्त है, और इसका जो हमें सूत्र मिलता है वो है सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र में कि मया विनिहाता सम्यक शब्दार्थ न्याय संहिता, और इसका उपयोग जो बताया है आचार्य सुश्रुत ने वो बताया है तंत्र सार गवेषण के लिए. तंत्र सार गवेषण इज नथिंग बट सुश्रुता इज इनडायरेक्टली इंडिकेटिंग हियर टुवर्ड्स द रिसर्च, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च एज वेल एज द लिटररी रिसर्च. तो शब्द संयुक्त, अर्थ संयुक्त और न्याय संयुक्त, इस तीन प्रकार से हमें तंत्र युक्तियां कैसे यूजफुल है लिटररी रिसर्च के लिए वो अब हम देखते हैं. कि शब्द अर्थात चरक के द्वारा बताया गया वाक्यशा, which letters and which words have been used, why this particular word has been used here only and how this word has been derived, व्युत्पत्ति, निरुक्ति या etymology और derivation क्या है उस विशिष्ट पद का, इसके लिए हमें पदार्थ, योग, हेत्वर्थ, स्वसंज्ञा, अपदेश और निर्वचन, ये तंत्र युक्तियां जो है यहाँ पर उपयुक्त है. निर्वचन अर्थात निरुक्ति, यहाँ पर हमें निर्वचन इस तंत्रयुक्ति की दो अलग अलग डेफिनेशन जो है चक्रपाणी में हमें अलग मिलती है और सुश्रुत में हमें इसका इसकी व्याख्या जो है वो अलग मिलती है. नेक्स्ट अर्थ, अर्थ संयुक्त अर्थात वाक्यर्थशा, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, व्हाट इज द रिलेटिव और इन कॉन्टेक्स्ट मीनिंग एंड इन व्हाट विल बी द ग्रॉस मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स और दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ और द चैप्टर.
एंड दैट इज दैट कैन बी अचीव फ्रॉम द बाय द यूज ऑफ द पदार्थ तंत्र युक्ति, अतिदेश तंत्र युक्ति, व्याख्यान, विधान, उपदेश एंड एज वेल एज अर्थापत्ति. एंड लास्टली द न्याय. न्याय इज नथिंग बट दैट दैट मेथोडोलॉजिकल सॉरी प्रमाण ही अर्थ परीक्षण न्याय. अर्थात जो अंतिमतः परीक्षा करने के पश्चात एक मेथोडोलॉजिकल या सिस्टमेटिक मेथोडोलॉजी फॉलो करने के बाद अंतिमतः आपको जो प्राप्त होगा वो है न्याय. और इस न्याय को प्राप्त करने के लिए हमें अलग अलग प्रमाणों के द्वारा परीक्षण करना पड़ता है. और इसके लिए हमें जो तंत्र युक्तियां उपयोगी है वो तंत्र युक्तियों में हमें निदर्शन तंत्र युक्ति देखने को मिलती है. अनेकांत के अलग अलग पक्ष क्या रखे गए हैं इस विषय के संदर्भ में अलग अलग तंत्रकारों के द्वारा, संशय क्या है कि क्या शंका यहाँ पर उपस्थित हो सकती है और उसको हम किस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं, तो ये जो है हमें न्याय के द्वारा प्राप्त होगा. देन लास्टली कमिंग टू द थर्ड, दैट इज तंत्र युक्ति इन क्लिनिकल प्रैक्टिस. की सभी जो शास्त्रों का निर्माण किया गया है वो अंतिमतः शास्त्र का प्रयोजन जो बताया गया है धातु साम्य क्रियाश्चुक्ता तंत्रस्य से प्रयोजन. तो प्रत्यक्षतः एक व्यक्ति में धातु साम्य उत्पन्न करने के लिए भी हमें हम जो उपयोग करते हैं वो तंत्र युक्तियों का ही उपयोग करते हैं. जैसे कि अधिकरण, चिकित्सा अधिकृत पुरुष, चरक संहिता में ही बताया गया है शारीर स्थान में कि चिकित्साधिकृत पुरुष या सत्वम आत्मा त्रयम त्रयमेतत् त्रिदंडवत् सपुमान चेतनम तश्च तच्चाधिकरणम श्रुतम. तो सत्व आत्मा और शरीर इन तीनों के योग के द्वारा जो पुरुष बना है वही पुरुष जो है वो चिकित्सा का अधिकरण है. तो इसीलिए क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो हमारा एक स्वस्थ व्यक्ति हो या एक रुग्ण हो वो है आपका चिकित्सा का अधिकरण. फिर प्रयोजन, चिकित्सा का प्रयोजन क्या है, या तो आप उस स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को मेंटेन करना चाहते हैं, उसका डिसीजेस से को प्रिवेंट करना चाहते हैं या हेल्थ प्रमोशन करना चाहते हैं रसायन का उपयोग करते हुए. जैसे कि आज कोविड 19 की बात करते हैं तो हम दोनों तरह से इनका उपयोग कर सकते हैं कि जो जैसे अभी आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा जो तीन अलग अलग क्लिनिकल रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं कि एक जो है प्रोफिलैक्सिस का है कि जो व्यक्ति जो लोग हैं उनको वो कोविड 19 हो ही नहीं इसीलिए प्रिवेंशन के तौर पर हम उनको क्या दे सकते हैं. और जो एट एक्चुअल कोविड 19 पॉजिटिव आ जाया है, जब पहले जो पॉजिटिव आया है जिसका थ्रोट स्वैप और उसकी चिकित्सा के लिए हम कौन कौन से आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो यूज कर सकते हैं. तो इस प्रकार से आपका प्रयोजन क्या है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को आपको बनाए रखना है कि व्याधित के व्याधि की आपको चिकित्सा करनी. फिर पदार्थ तंत्र युक्ति की चीफ कंप्लेंट्स, जैसे अगर हम रुग्ण की बात कर रहे हैं तो क्या उसकी चीफ कंप्लेंट्स है. ज्वर का रुग्ण आपके पास आ जाया, फीवर का पेशेंट आपके पास आया, तो फीवर तो किस प्रकार का वो फीवर है, किस प्रकार का वो ज्वर है, वो जो व्यक्ति या जो रुग्ण बता रहा है कंप्लेंट उसी को आपको उसके उसे आपको समझना है, तो वो है पदार्थ तंत्र. उसके बाद अतीतावेक्षक, अर्थात रुग्ण जो आपको अलग अलग प्रकार की हिस्ट्री या इतिहास बताएगा, पास्ट हिस्ट्री हो, उसकी पर्सनल हिस्ट्री हो, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री हो, फैमिली हिस्ट्री हो, या उसी डिसीज की, जैसे आज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का इरा है या नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है, तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में तुरंत ही पेशेंट आपके पास नहीं आता, डिसलिपिडिमिया हो, ओबेसिटी हो, तो बहुत सारी जगह पर वो ट्रीटमेंट लेके फिर आपके पास पूरी फाइल बनाकर पेशेंट आपके पास आता है. तो जब तक आप उसकी पूरी हिस्ट्री नहीं जानेंगे तब तक आप उसकी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते. तो इसीलिए अतीतावेक्षा तंत्र युक्ति का यहाँ पर हमें उपयोग करना पड़ता है. नेक्स्ट वुड बी द अनेकांत, डिफरेंशियल डायग्नोसिस. कि जो
रुग्ण आपके पास आया, उसने जो आपको इतिहास बताया, जो कंप्लेंट्स की हिस्ट्री दी, उसके आधार पर क्या क्या प्रोबेबल डायग्नोसिस हो सकते हैं, वो है अनेकांग। और जब उन सभी व्यवच्छेदक निदानों को परिहार करते हुए आप अंतिम निदान के तक पहुंचेंगे, फाइनल डायग्नोसिस तक पहुंचेंगे, दैट इज नथिंग बट द एकांत और निर्णय। इसके पश्चात आपके पास बहुत सारे विकल्प रहेंगे, देयर विल बी द डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस, कि आप इसमें इस व्यक्ति में शोधन देंगे, शमन देंगे, शोधन में भी आप कौन सा पंचकर्म यूज करेंगे, या शमन की बात करते हैं तो बाह्य चिकित्सा करेंगे, अभ्यंतर चिकित्सा करेंगे, अभ्यंतर चिकित्सा के लिए भी शमन के लिए आप कौन सा कल्प उपयोग करेंगे, या अगर एक ही, अगर हम एकल द्रव्य की बात करते हैं, जैसे आज हमें गुरुची चूर्ण देना है किसी भी व्यक्ति में प्रोफिलैक्सिस के लिए, तो मुड़ची का अगर क्या हम चूर्ण के स्वरूप में उपयोग करेंगे, घनवटी के स्वरूप में उपयोग करेंगे, के क्वाथ के स्वरूप में उपयोग करेंगे, तो दीज आर द डिफरेंट ट्रीटमेंट और द मेडिसिन ऑप्शंस। तो ये जो है ये विकल्प ही, विकल्प तंत्र युक्ति है, और इन विकल्पों में से फिर एक विकल्प, उचित विकल्प का आप उपयोग करते हुए जो है रुग्ण की चिकित्सा जो है करेंगे। तो इस प्रकार ऐसे और भी सारी तंत्र युक्तियां हैं जो कि हम एट एक्चुअल क्लिनिकल प्रैक्टिस में उपयोग करते हैं। कुछ उदाहरण स्वरूप में ही मैंने इस स्लाइड में इन्हीं का वर्णन जो है वो रखा है, कि जो सबसे ज्यादा हम जिनका यूज करते हैं। इसके पश्चात कुछ तंत्रिकियां जो है, जो हमें देखने में लगता है कि ये एक जैसी ही दिखती है, किंतु वो एक जैसी नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे से अलग है। NABH एक्रेडिटेशन हम आज सारे हॉस्पिटल जो है NABH एक्रेडिटेड होने चाहिए। तो यहाँ पर मेडिसिन के संदर्भ में एक पॉलिसी है, लासा पॉलिसी, लुक अलाइक साउंड अलाइक, कि जो मेडिसिन से जो एक, या तो एक जैसे दिखते हैं या तो एक जैसे उनका नाम है, इसी तरह यहाँ पर भी हम तंत्र युक्ति के संदर्भ में ये लासा पॉलिसी देख सकते हैं, कि ये तंत्र युक्तियां हमें ऊपर से देखते वक्त या पहली नजर में दिखती है कि ये एक जैसी है, किंतु ये एक जैसी नहीं है, बल्कि उनमें बहुत ही अंतर है। उसमें से एक एग्जांपल है निर्णय और उद्धार। निर्णय क्या है? तो निर्णय इज द आंसर आफ्टर हियरिंग ऑल ओपिनियंस और आफ्टर हियरिंग ऑल पूर्व पक्ष, या सभी आक्षेपों का, आक्षेप सुनने के बाद या उनका उच्चारण करने के पश्चात आप अंतिमतः जिस कंक्लूजन की तरफ जाते हैं या जो आंसर आप फाइंड आउट करते हैं वो है निर्णय। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स और यूजुअली इट इज द ओनली वन करेक्ट ऑप्शन और ओनली वन करेक्ट ओपिनियन, दैट इज नथिंग बट द निर्णय। और उद्धार क्या है? उद्धार इज द कंक्लूजन डिराइव्ड ऑफ दैट डिस्कशन, एंड यूजुअली दे कुड बी द डिफरेंट, दे आर डिफरेंट देन ऑल ओपिनियंस। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इन दिस लाइन इज हेटवर्थ एंड अतिदेश। तो व्हाट इज हेटवर्थ? हेटवर्थ इज यूज ऑफ वन प्रिंसिपल एट अदर देन इट्स ओरिजिनल प्लेस बाय वन्स ओन इंटेलेक्ट, दैट इज हेटवर्थ। एंड व्हाट इज अतिदेश? दैट क्रिएटर ऑफ दैट तंत्रा इंडिकेट्स द यूज ऑफ अदर प्रिंसिपल्स और अदर डिस्क्रिप्शंस एट अदर प्लेसेस। नेक्स्ट इज अर्थापत्ति एंड विपर्य। अर्थापत्ति दैट मीन्स द मीनिंग अदर देन व्हाट इज सेड, नॉट नेसेसरी दैट शुड बी और दैट इज अपोजिट टू द सेड फैक्ट। जो बताया है उसके आधार पर जो नहीं बताया गया है वो समझना है, किंतु अर्थापत्ति में अर्थापत्ति जरूरी नहीं कि वो विरुद्ध ही है, वो आपको अलग अर्थ जो है वो देती है। और विपर्य जो है वो आपको हमेशा केवल एक ही अर्थ देता है और वो पूर्णतः विरुद्ध अर्थ बताता है, जो कि शास्त्र में बताया है उसके विपरीत या अत्यंत विरुद्ध अर्थ आपको पता चलता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज बिटवीन उपदेश एंड नियोग। उपदेश इट इज जस्ट लाइक एडवाइस, जैसे हम पथ्यापथ्य बताते हैं इस प्रकार से, दैट वन मे फॉलो इट, बट नियोग इट इज द मस्ट, दैट इट इज जस्ट लाइक अ ऑर्डर, जैसे आपके गुरु जी ने आपको My presentation is visible. Hello. हाँ जी डॉक्टर साहब। ओके जी। ओके सो उपदेश ये एडवाइस है और आप इसका आचरण कर सकते हैं या कर भी नहीं सकते, किंतु नियोग क्या है? इट इज मस्ट, इट्स एन ऑर्डर एंड आपको ये ऑर्डर जो है वो फॉलो ही करनी है।
इसके बाद मैंने कुछ एक एक तंत्र युक्ति के एग्जाम्पल्स रखे हुए थे. मुझे लगता है इसमें से केवल एक ही एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन करूंगी बिकॉज इट्स वेरी मच लेट एंड आई शुड नॉट किल द टाइम. तो इसमें अधिकरण की बात हम करते हैं कि जैसे प्रतिशय की चिकित्सा जो है या रुचि ज्वर इन लक्षणों की चिकित्सा हमें राजयक्ष्मा चिकित्सा अध्याय में भी प्राप्त होती है, किंतु ये इस यहाँ राजयक्ष्मा चिकित्सा अध्याय में जो इन लक्षणों की या इन व्याधियों के चिकित्सा के लिए जो योग या जो भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताया है वो इन्हीं लक्षणों में अन्य जगह पर हमें उपयुक्त नहीं हो सकते जब अगर ये स्वतंत्र संप्राप्ति से अगर ये लक्षण या ये व्याधियां उत्पन्न हुई है. किंतु अगर ये लक्षण या व्याधियां राजयक्ष्मा के उपद्रव स्वरूप में या राजयक्ष्मा के लक्षण स्वरूप में अगर वो उत्पन्न हुई है तो ही हमें राजयक्ष्मा अध्याय में बताई गई चिकित्सा जो है वो यहाँ पर उपयुक्त हो सकती है. इसका कारण क्या है कि यहाँ पर जो अधिकरण है प्रतिपाद्य विषय मुख्य प्रतिपाद्य विषय या टॉपिक ऑफ इलैबोरेशन जो है वो राजयक्ष्मा चिकित्सा है. तो राजयक्ष्मा से संबंधित अरुचि प्रतिशय और ज्वर की ही ज्वर में ही आपको इन चिकित्सा योगों का उपयोग करना है. अन्य जगह पर कदाचित हो सकता है ये योग आपको उपयुक्त ना हो. और एक एग्जाम्पल पदार्थ तंत्र युक्ति का, जैसे संप्राप्ति का वर्णन आया है चरक निदान स्थान पहले अध्याय में, वहां पर संप्राप्ति के पर्याय भी बताए गए कि संप्राप्ति जातिर आगति इत्यादि. तो एट एक्चुअल्स तो ये सारे पद जो है वो समानार्थी है, दे आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड संप्राप्ति. किंतु जब हम पदार्थ तंत्र युक्ति से इन शब्दों का विशिष्ट अर्थ जानेंगे तो वो आपको संप्राप्ति के जो प्रोसेस है उस हर एक प्रोसेस का एक अलग अलग एंगल बताएंगे. जैसे संप्राप्ति जातिर आगति की निर्माण या उत्पादक हेतुओं का अपने या कारणों का कार्य तक कारणों की पूर्णता कार्य में निष्पत्ति जो है इस तरह से आपको यहाँ पर पदार्थ तंत्र युक्ति के आधार पर उन्हीं समानार्थी पदों का जो है विशिष्ट अर्थ प्राप्त होगा इन रेफरेंस टू स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट. ऐसे ही उद्देश्य तंत्र युक्ति यानी इन शॉर्ट या कंसाइज स्टेटमेंट ब्रीफ स्टेटमेंट जो भी आपका संक्षेप है या एब्स्ट्रैक्ट है थीसिस का सिनॉप्सिस का वो है उद्देश्य. जैसे अगर आपने किसी रुग्ण को बताया कि ज्वर व्याधि है तो गुरु आहार का अभी सेवन मत कीजिए तो ये हुआ उद्देश्य. किंतु उस गुरु आहार का ही जब आप व्याख्यान करते हैं या उसको इलैबोरेट करते हैं दैट विल बी द निर्देश कि दैट इलैबोरेशन ऑफ दैट ब्रीफ स्टेटमेंट कि आपको गुरु आहार नहीं लेना है इसका मतलब क्या क्या नहीं लेना है. जैसे आपको दूध नहीं पीना है, केला नहीं खाना है, कोई भी स्वीट मिठाई या आलू ये नहीं खाना है तो वो है निर्देश. सो दिस मे बी यूज्ड एज एग्जांपल ऑफ प्रदेश टू. व्हाई प्रदेश? क्योंकि एज इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ गुरु आहार इन द फील्ड ऑफ गुरु. ये गुरु जो है ये पूर्णतः एक व्यापक क्षेत्र है गुरु गुणात्मक जो, और हर एक गुरु गुण के पदार्थ का हम वहां पर क्लिनिक में बैठे हुए रुग्ण को नहीं बोल सकते कि ये या एक लंबी लिस्ट नहीं दे सकते. तो हम उसमें से कुछ ही जो है वो एग्जाम्पल के तौर पर वहां पर देंगे या डिस्क्राइब करेंगे. ऐसे ही अपदेश तंत्र युक्ति की रीजनिंग के साथ यानी हेतु के साथ जब वहां आपको कार्य की उत्पत्ति या वहां वर्णन मिलता है दैट इज द अपदेश प्रॉपर एंड लॉजिकल रीजनिंग ऑफ द स्टेटमेंट. जैसे वसंत ऋतुचर्या में कहा गया है कि गुरु आहार का सेवन नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? क्यों गुरु आहार आपको वहां पर डाइजेस्ट नहीं होगा? क्योंकि वहां पर वसंत ऋतु में कफ प्रकोप के कारण अग्निमानदेह है और उस अग्निमानदेह से आम अजीर्ण आदि व्याधियां जो है वो उत्पन्न होगी और इसीलिए गुरु आहार जो है वहां पर गुरु आहार का पचन जो है वो नहीं होगा. ऐसे ही प्रयोजन तंत्र युक्ति की पर्पज या मेन आइडिया. तो अलग अलग जगह पर हमें प्रयोजन तंत्र युक्ति का उपयोग मिलता है. जैसे धातु साम्य क्रियाश्चुक्ता तंत्र से प्रयोजन पूर्णतः संहिता का प्रयोजन हमें एक पद में या एक शब्द में मिला. ऐसे ही विमान स्थान के प्रारंभ में अगर हम देखते हैं तो सूत्र स्थान के बाद विशेषतया विमान स्थान का वर्णन क्यों किया गया, उसका प्रयोजन क्या है? तो तस्मात दोषादि मान ज्ञानार्थ
दोष आदि भावों का विशेष मान जानने के लिए जो है वो विमान स्थान बताया गया या विमान स्थान का वर्णन किया, तो दैट इज द स्पेसिफिक एम ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन। देन स्वसंज्ञा, तो स्वसंज्ञा जो भी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज है हमारे, जैसे दोष है, सात्म है, धातु, स्नेह, ये सारे जो है वो स्वसंज्ञा है। या तो फिर हम रस की बात करते हैं, तो रस ये जो रस शब्द के लिए या पद के लिए हमें पदार्थ तंत्र युक्ति का भी उपयोग करना पड़ता है और स्वसंज्ञा का भी। पदार्थ तंत्र युक्ति का उपयोग कैसे, कि रस पद अगर अलग अलग स्थान में आया, जैसे आहार से संबंधित रस आया है तो या तो वहां पर हमें जल का ग्रहण करना है क्योंकि रस जल का भी पर्याय है, या तो फिर हमें मांस रस का भी वहां पर ग्रहण करना है इन रेफरेंस्ड कॉन्टेक्स्ट, अगर मांस वर्ग के संबंधित में आ गया। और वही रस अगर धातु के संदर्भ में आया है तो उससे हमें रस धातु का ग्रहण करना है। ये हुआ पदार्थ तंत्र युक्ति का उपयोग। और स्वसंज्ञा का उपयोग कैसे, कि रस पद या रस विषय आयुर्वेद का भी विषय है और साहित्य का भी विषय है। अगर साहित्य में हम रसों की बात करते हैं तो वहां पर श्रृंगार आदि नव रस आएंगे, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, क्रौर्य रस, ये सारे वहां पर रस आएंगे। किंतु जब हम आयुर्वेद में और रस की बात करते हैं और पर्टिकुलरली, तो हमें षड रसों की बात करनी होगी या विषय के अनुसार या अध्याय के अनुसार, या तो फिर हमें रस धातु की बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर रस पद जो है वो स्वसंज्ञा सूचक भी हो सकता है और रस पद का उपयोग हम पदार्थ तंत्र युक्ति के आधार पर भी अलग अलग अर्थ उससे प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात एक विषय की तंत्र युक्तियां इतनी उपयोगी है थी और आगे भी रहेगी, किंतु बीच के कुछ वर्षों में तंत्र युक्तियों के अध्ययन अध्यापन के संदर्भ में एक उदासीनता हमें देखने को मिली, या कुछ इसके इस विषय के प्रति एक इग्नोरेंस या दुर्लक्ष हमें देखने को मिला। इसके प्रोबेबल रीजंस क्या हो सकते हैं? तो एक तो सबसे पहले इस विषय का जो एक आयुर्वेद के नए विद्यार्थी के सामने ये विषय सबसे पहले आता है वो फर्स्ट ईयर बीएमएस में। पहले पदार्थ विज्ञान में था, अभी जो नया सिलेबस रिवाइज हुआ उसके अकॉर्डिंगली अब वो अष्टांग हृदय और मौलिक सिद्धांत विषय के अंतर्गत आ गया। किंतु ये विषय जो है जब परीक्षार्थी के दृष्टिकोण से एक विद्यार्थी विचार करता है तो उसके लिए बहुत ही कम वेटेज रखा गया है मार्कों का सीसीएम द्वारा सिलेबस में। इसलिए ये विषय जो है बहुत अंश विद्यार्थियों के द्वारा इसे दुर्लक्षित किया जाता है या तो इग्नोर किया जाता है, और बहुत सारे विद्यार्थी तो इसे ऑप्शन में ही रखते हैं। और फर्स्ट ईयर बीएमएस के बाद बहुत सालों तक इसका कंटिन्यूस एक्सपोजर नहीं मिलता एक विद्यार्थी को या बच्चे को, क्योंकि सेकेंड थर्ड ईयर और फाइनल ईयर हम जब बीएमएस करते थे, या आज के अध्यापक जो है बहुत सारे अध्यापक, हमने 5.5 वर्षों का बीएमएस का करिकुलम किया जो है हम पास आउट है, लेकिन इसके बाद बार बार सिलेबस चेंज होते गए, ईयर वाइज जो है सब्जेक्ट्स में बदलाव या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। और इसलिए आगे फिर सेकेंड ईयर में जब द्रव्यगुण रसशास्त्र आता है, या फाइनल ईयर में जब क्लिनिकल सब्जेक्ट्स not clinical subjects, जब आते हैं तो बच्चा फिर से तंत्र युक्ति इस विषय से थोड़ा सा हट जाता है। और ज्यादातर हमें देखने को मिलता है कि एग्जाम ओरिएंटेड टीचिंग लर्निंग है। हाँ, किस विषय को या किस कंसेप्ट को या चैप्टर को ज्यादा वेटेज है एग्जाम में, बस उसी को ज्यादा पढ़ना है, जिसके लिए कम वेटेज है उस विषय को नहीं पढ़ना है। तो इसलिए यह भी एक प्रोबेबल रीजन है कि तंत्र युक्ति ये विषय जो है ज्यादातर दुर्लक्षित। इसके साथ कुछ फेमिलियर एग्जाम्पल्स नहीं मिलते, क्योंकि बहुतांश द्वारा ये एक हमारी अध्यापकों की तरफ से भी एक लैक्यूना रह जाता है कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है वो हम ज्यादातर दे नहीं पाते, या कई बार देना रह जाता है। बहुत सी बार जो संहिताओं में जितना लिखा गया है उतना ही हम पढ़ाते हैं, तो ये भी एक प्रोबेबल रीजन हो सकता है। और सबसे मोस्ट कारणीभूत या जो मोस्ट रिलेवेंट रीजन है वो है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसलेशंस ऑफ संहिताज इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। क्योंकि तंत्र युक्तियों का उपयोग करना है, उनको समझना है, तो सबसे पहले जरूरी है कि आप मूल संहिताओं को आप
उचित तौर से पढ़े, उनका अध्ययन अध्यापन हो, उनकी पढ़ाई लिखाई हो। किंतु आज की डेट में जब अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में, फिर वो हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, या तो फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन जो कि वर्ल्ड वाइड आपको अलग अलग जगह पे हमें जो अलग अलग ट्रांसलेशन मिलते हैं, तो आज का विद्यार्थी जो है वो ट्रांसलेटेड बुक्स पढ़ के ही ज्यादातर परीक्षा का अभ्यास करता है। तो ये भी एक मेजर रीजन है तंत्रिकियों के अध्ययन अध्यापन के डिक्लाइन का। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस मानसिकता में अगर हमें बदलाव लाना है तो उसके लिए हमें कुछ उपाय भी करने पड़ेंगे। तो इसके लिए जरूरी है हम अध्यापकों की ही यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है कि चेंज इन टीचिंग मेथोडोलॉजी, कि जब हम तंत्रिकीय विषय एक विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं, फिर वो BMS के लेवल पर पढ़ाएंगे तो उसकी उसका स्तर और उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होगी, तो उस तरह से हमें पढ़ाना पड़ेगा। जब हम PG और PhD के लेवल के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो उसकी उसके लिए एग्जाम्पल से उसके लिए इनडेप्थ एक्सप्लेनेशन जो है वो हमारा अलग होना चाहिए। और अप्लाइड कंसेप्ट ऑफ तंत्रिकी में भी शुरू कि एट एक्चुअल जो हम व्यवहार में यूज कर रहे हैं उन तंत्रिकियों के उदाहरण अगर हम स्टूडेंट के सामने रखेंगे तो वो ज्यादा यूजफुल रहेंगे और स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादा मन लगाकर और लगाव पूर्वक इस विषय का जो है अध्ययन करेंगे। उसके साथ ही डेडिकेटेड रिसर्च वर्क, तो बहुत सारे जो अनुसंधान वर्क है या रिसर्च वर्क जो है हमारे विभाग में, पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ मौलिक सिद्धांत विभाग जामनगर की, तो हमारा विभाग बहुत सारे रिसर्च वर्क के संदर्भ में पायोनियर वर्क्स जो है वो हमारे विभाग के द्वारा आदरणीय द्विवेदी सर के मार्गदर्शन में जो है बहुत सारे वर्क्स जो है वो किए गए हैं। और उन्हीं में ऋषिकेश मेहत्रे जी का वर्क हो 1995 में जो सबसे पहला डेडिकेटेड वर्क किया गया था तंत्रयुक्तियों के संदर्भ में, या उसके बाद सुजाता ढोके का वर्क हो, या तो मेरा खुद का PhD का वर्क जो जिसमें तंत्रभूषण अध्यायों का हमने विवरण किया, जो कि समझने के लिए बहुत ही कठिन है या लोग उसे दुर्बोध समझते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रिसर्च वर्क जो है या तंत्रिकी के अप्लाइड एस्पेक्ट के संदर्भ में भी हम बहुत सारे रिसर्च वर्क जो है प्लान कर सकते हैं और उसके आधार पर इस विषय को हम पुनः उजागर कर सकते हैं और उसकी उस विषय की जो गरिमा जो है इस की बढ़ा सकते हैं। एंड फाइनली कमिंग टू द कंक्लूजन, tantriktis are very helpful tools for arthavabodh and tantra gaveshan, though there are differences in opinions about names and numbers of tantrikti, but they are nearly the same. alag alag mat matantar ho sakte hain kintu us vishay ki tantrikti ke mahatva ke sandarbh mein koi bhi anya mat aapko dekhne ko nahi milta hai sahitaon mein. science of tantrikti is an interesting but one of the most neglected subject of sahitas, and due to availability of translation of sahitas, tantrikti become of some less importance. Tantrikti is needed to get real meaning or to interpret the subject in present context, and if one knows the proper meanings of classics through the tantriktis, then only he or she can apply it in various fields like academics, clinical practice or research, etc. And that's why the concept of tantrikti or the topic of tantrikti is not a outdated topic, but rather they are applicable in present era too. And with this I will come to the end of my presentation with a famous, very famous Sanskrit quote that amantram aksharam nasti nasti moolam anaushadam ayogyah purusha nasti yojakas tatra durlabha. aaj ke yug mein bas जरूरी है वो है योजक की जरूरी है कि जो उचित प्रकार से इन तंत्रिकियों का उपयोग कर सके। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। यहाँ पर वाणी को विराम देती हूँ और आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने उनकी वजह से आज मुझे यह अवसर और सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस अनवरत व्याख्यान माला का मैं भाग बन सकी। एक थैंक यू सो मच मैम। तंत्र युक्ति को इस तरीके से बताने के लिए, इस तरीके से एक दिशा दिखाने के लिए कि तंत्र युक्ति सच में केवल सिर्फ संहिता का ही एक भाग नहीं है, अभी तो पूरे आयुर्वेद को समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। अगर हम संहिताओं का हमें ताला खोलना है
तो उसके लिए हमें डेफिनेटली तंत्र युक्ति रूपी चाबी की जरूरत हमेशा पड़ने वाली है। किस तरीके से हम उक्त अनुक्त सबकी चिकित्सा कर सकते हैं, रीडिंग बिटवीन द लाइंस हम कैसे तंत्र युक्ति के माध्यम से कर सकते हैं, चाहे एकेडमिक्स हो, चाहे क्लिनिकल वर्क हो, या किसी भी प्रकार का रिसर्च हो, बिना तंत्र युक्ति के पॉसिबल नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि बाकी बहुत सारे क्लिनिशियंस ने आपसे कहा कि तंत्र युक्ति को हमने कभी यूज नहीं किया तो क्या बिगड़ गया, तो डेफिनेटली कुछ बिगड़ा भले ही नहीं होगा, लेकिन कभी ना कभी कहीं ना कहीं अर्थ का अनर्थ जरूर हुआ होगा और कुछ अच्छा गेन भी हम शायद नहीं कर पाए होंगे। क्योंकि मैं भी स्त्री प्रसूति की हूँ, तो मैंने भी केवल बीएमएस फर्स्ट ईयर में ही, और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि बलदेव सर से ही मैंने तंत्र युक्ति पढ़ी थी, लेकिन ड्यू टू जो सीसीआईएम के जो आपने सिलेबस करिकुलम के बारे में बताया, मैं भी उसके बाद इसे नहीं पढ़ पाई हूँ। और डेफिनेटली अब मुझे लग रहा है कि तंत्र युक्ति के साथ मुझे वापस से एक रीस्टार्ट मारना पड़ेगा खुद को, ताकि संहिताओं को और अच्छे से इलेबोरेटिवली हम पढ़ सके। तो अगर हमें तंत्र युक्ति के माध्यम से एक विशेष दृष्टिकोण, एक डिफरेंट विजन मिलेगा हमें संहिताओं को देखने का, और एक लॉजिकल एनालिसिस करने के लिए एक जो सच्चा प्लेटफॉर्म है वो हमें केवल तंत्र युक्ति से ही मिलता है। और जैसा कि आपने कहा कि केवल फर्स्ट ईयर में ही ये सब्जेक्ट है, लेकिन आज की क्लास, आज का सेशन अटेंड करने के बाद ऐसा लग रहा है कि जो तंत्र युक्ति जो टॉपिक है, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, इनफैक्ट हर पीजी सिलेबस में ये एड ऑन होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट हो, तंत्र युक्ति के बिना वो अधूरा सा ही है। और जैसा कि हेतल मैम का एक फेवरेट एक त्रिसूत्र जिसे हम कहते हैं हेतु लिंग औषध, यानी हमें पता है आयुर्वेद का जितना भी ज्ञान है केवल सूत्र रूप में उपलब्ध है, तो इस तंत्र युक्ति के माध्यम से ही हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सारे इटोलॉजिकल फैक्टर्स, सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, हर सब तरीके की मैनेजमेंट को देखने के लिए अगर हम इस हेतु लिंग औषध को अगर हम तंत्र युक्ति के माध्यम से हम इलेबोरेट करेंगे, तो हम पाएंगे कि सिर्फ इस एक सिंपल से सूत्र में पूरा चिकित्सा विज्ञान आ गया। और जाने अनजाने में शायद हमने कभी अपने क्लिनिक में प्रयोजन अधिकरण ऐसा कुछ हमने शायद यूज भी किया है, लेकिन हमें आज तक पता नहीं था कि हम तंत्र युक्ति का इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे हम सांस को पता नहीं कब से ले रहे हैं, लेकिन बाद में हमें साइंटिस्ट ने बताया कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो कहीं कहीं कुछ कुछ ये चीजें भी हमें आज पता पड़ी कि यहाँ हम तंत्र युक्ति का इस्तेमाल कहीं जाने अनजाने में हम कर जाते हैं, और बहुत हद तक तंत्र युक्ति की कितना यूजफुल है, आगे हमें क्यों इसे पढ़ना चाहिए। तो इन सब टॉपिक्स को मैम ने बहुत ही अच्छे से कवर अप किया। थैंक यू सो मच मैम, डेफिनेटली फॉर एनलाइटिंग अस। और मेरे साथ मुझे लगता है जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो कोशिश करेंगे अपने आप को एक रीबूट करने की तंत्र युक्ति के माध्यम से, और फिर से चरक संहिता को हम उठाने की कोशिश करेंगे कि अब हम तंत्र युक्ति लगा के हम इसे कैसे पढ़ें, हम इससे और क्या नया ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच शुभांगी मैम, और डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप कह रहे थे समय ओवर हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है शायद ये समय कम पड़ गया, मुझे लग रहा था भी और होना चाहिए आगे इसमें। मैडम की और सभी श्रोताओं की माफी मांगना चाहूंगी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि कुछ मैंने अधिक समय लिया। नहीं नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। मुझे भी लग रहा था, मुझे पहले लगा था तंत्र युक्ति कितनी देर सुन पाऊंगी, लेकिन मुझे, मैं एक मिनट इधर उधर नहीं हुई बीच में, और मुझे लगा कि ये और होना चाहिए था। नहीं, कभी अवसर प्राप्त होगा तो केवल एक ही विशिष्ट फील्ड को या उसको लेके हम इलैबोरेट करेंगे जरूर भविष्य में। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू हेतल मैम। सभी ने मुझे सुना, बहुत धन्यवाद। विशेषता मैं आदरणीय कुलपति प्रोफेसर बलदेव कुमार धीमन सर के आभारी हूँ कि आज संहिता विभाग के एक व्याख्याता, मैं तो बहुत जूनियर हूँ सर से, विद्यार्थी के समान ही हूँ, किंतु सर इसमें उपस्थित रहे उसके लिए थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच होटल मैडम। बहुत बढ़िया व्याख्यान था आज, मुझे व्याख्यान को जामनगर सर, हाँ जी, मुझे जामनगर की याद आ रही थी कि जिस दृष्टिकोण से आपने हमें प्रेजेंटेशन दिया, तो मुझे एक बार ओम प्रकाश उपाध्याय जी, गुरुजी भी याद आ रहे थे, गुरुजी के चरणों में चरण वंदना। और मैंने 98 में पीजी करने के बाद एक स्टूडेंट के मुंह से ऐसे सुना था
जैसे हम मिले, मैंने कहा बेटा कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जबकि वो स्टूडेंट प्री फाइनल में है ना, ऐसे फोर्थ ईयर में थी, मगर उसने कहा कि मुझे पदार्थ विज्ञान बहुत अच्छा लगता है। तो पता है मेरे कान खड़े हो गए। तो फिर मैंने कहा क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो है ना किसी को बहुत अच्छा लगता है तो कहते करेले की सब्जी बहुत अच्छी है, तो अपने लिए तो ऐसा था। मैंने कहा क्यों बेटा कैसे अच्छा लगता है, तो उसने मुझे कुछ पॉइंट फटाफट समझा के दिखाए, समवाही कारण असमवाही कारण, कहते अभी उपाध्याय गुरु जी ने ये पढ़ाया है। तो मुझे तब लगा था कि जैसे कोई भी सब्जी है वो रॉ मटेरियल है, उसको किस प्रकार से व्यंजन पकाते हैं फिर बच्चों को खिलाई जाती है, तो उस हिसाब से वो इतनी टेस्टी, इतनी दिखने में आकर्षक, गुणवान ऐसी बन जाती है। तो ऐसे आपने ये विषय को सच में बहुत अच्छी तरह से किया कि जैसे मैं ये कह सकती हूँ कि हीरे की परख जौहरी कर सकता है, है ना। और सच में मौलिक सिद्धांत में सारे जौहरी भरे पड़े हैं। ये सब जो है द्विवेदी सर ने हमें जो सिखाया है वही मैंने आपको बताने की कोशिश की, जो अच्छा लगा है वो सब हमारे सर का है, कुछ गलत हो तो वो मेरा है। मुझे लगता है IPBTR का ही संहिता सिद्धांत विभाग एकमेव ऐसा विभाग है कि जहाँ पर जो भी अब तक दी रही उन सभी ने, महेश सर हो, बघेल सर है या हितेश सर है, मैं हूँ, हम सभी की PhD जो है वो द्विवेदी सर के गाइडेंस में हुई है, उनके मार्गदर्शन के अंदर। जी बिल्कुल, मेरे भी वो गुरु रहे हैं। और ये सब क्या मैं आज के व्याख्यान में आदरणीय डॉक्टर व्यास सर और डॉक्टर अर्जुन सिंह सर दोनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, और साथ साथ में डॉक्टर गीता मैडम का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ कि आपने ये पूरा लेक्चर में मैं देख रही थी कि कमेंट्स भी दे रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबसे पहले व्यास सर से आग्रह करती हूँ कि वो हमें आशीर्वचन दे, और सर मैं फिर आपको फोन करके भी कुछ आपके व्याख्यान का भी समय मांगूंगी, अभी तो पहले एक बार ना आशीर्वचन दीजिए, और हमें बहुत अच्छा लगेगा सर कि आप इसमें आज ज्वाइन भी किए हैं। सर आपका स्वागत और अग्रिम धन्यवाद। डॉक्टर व्यास सर हेलो, व्यास सर हेलो, अर्जुन जी तब तक आप कर दीजिए, मैं सर को एक बार देखती हूँ ऐसे इसमें। सर एक्चुअली मुझे लगता है इंटरनेट की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी लेफ्ट हो रहे हैं फिर रीजॉइन कर रहे हैं फिर लेफ्ट फिर रीजॉइन, तो इससे हो सकता है कि शायद कुछ इंटरनेट में दिक्कत हो रही हो। तो डॉक्टर अर्जुन जी आप हमें मार्गदर्शन करें और आशीर्वचन दीजिए। नमस्कार नमस्कार जी 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 भैया हाँ जी सर वीडियो ऑन कीजिए, आपका आवाज आ रही है। आ रहा है वीडियो? हाँ जी हाँ जी नमस्ते मैडम। जी नमस्कार, रितेश जी भी आ गए हैं पहले। जी 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 नमस्कार जी, नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत सर, और बहुत ज्यादा खुशी हुई आपको देख के, और सर हमें आशीर्वचन दीजिए, और फिर मैं फोन करके आपका समय भी व्याख्यान के लिए लेना चाहूंगी सर, तो मैं अभी बाद में फोन करती हूँ, अभी सर आशीर्वचन। मैडम आप आशीर्वचन देते जितना बड़ा मैं हूँ नहीं, जमीन दीवान सर बैठे हुए हैं हमारे सहयोगी है, हम लोग यहाँ साथ साथ में रहे हुए हैं, तो इतना तो मैं बड़ा नहीं हुआ हूँ, बाल भले सफेद हो गया है, बट और आप व्याख्यान के लिए कभी भी कहिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, वो हमारा भी सौभाग्य रहेगा इतने अच्छे स्टडी सर्कल में जो इतने सालों से बहुत अच्छा काम कर रहा है उसके साथ जुड़ेंगे, तो हमारा भी सौभाग्य रहेगा। बिल्कुल ही हमारा सौभाग्य है सर, अरे हमें आपका मार्गदर्शन मिलेगा, आपसे ज्ञान मिलेगा, आप हमें समझ देंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा सर। नहीं नहीं मैडम बिल्कुल बिल्कुल श्योरली, आप जब भी कहें और जो भी टॉपिक कहें बिल्कुल हम करेंगे, कोई कोई करेंगे बिल्कुल करेंगे मैडम। ठीक है, और हम सब एक जमाने है उसमें कोई बड़े छोटे काम है, सभी सभी प्राध्यापक हैं, सभी मौलिक सिद्धांत वाले, तो अच्छा रहेगा। ठीक है जी 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 सर, सर नमस्ते, माइक
नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, कैसे हैं? बस अच्छे हैं आशीर्वाद है। बहुत अच्छे बात दर्शन हुए आपके सर। मैं बता रहा था डॉक्टर हेतल को, मैंने कहा डॉक्टर व्यास जी बैठे हैं। हाँ 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 बिल्कुल सर, देखा था पहले से ही, मैं सुन रहा था मैडम को, बहुत अच्छा रहा। ठीक है जी, करता हूँ फोन, करता हूँ। अच्छा जी जी सर, जी बिल्कुल सर, थैंक यू जी। सर हाँ हाँ ठीक है। पहले तो स्टडी सर्कल के सभी सदस्यों को जो सतत इस प्रकार का अभियान चला रहे हैं, सभी को धन्यवाद। और आज के लेक्चर के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि आज का लेक्चर एक बहुत ही अच्छा विषय लिया गया, मतलब विषय एक ऐसा था जो काफी छूटा हुआ है, और मैडम ने, शुभांगी ने काफी अच्छी तरीके से मतलब इसको एक्सप्लोर किया, बहुत ही एलिबरेटेड था, क्योंकि हम किसी भी, हमारा जो आयुर्वेद साहित्य है अनेक विषयों से भरा पड़ा है, लेकिन हम ऐसे विषय भी लें जो जिसकी उपयुक्तता हम आगे कर सकें, तो तंत्रयुक्ति एक ऐसा विषय है जो शास्त्र को समझने के लिए अति आवश्यक है। इसी तरह से हम कोई भी विषय लें तो उसके हम अधिकरण, प्रयोजन, उद्देश्य, निर्देश आदि को जाने तभी हम उस विषय को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। तो एलाबरेटिव लेक्चर के लिए मैडम को धन्यवाद, और आपने उनको समय दिया, इसलिए भी स्टडी सर्कल और प्रोफेसर बलदेव जी को जो हमारे मित्र हैं उनको भी धन्यवाद, जो सतत इस कार्य को, इस प्रकार के कार्य को आगे बढ़ाने में सतत आगे रहते हैं। मैं उनका भी धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि आज के बाद का जो शुक्रवार का लेक्चर तारीख का, वो डॉक्टर सिंह का रहेगा। मैं सभी दिन आग्रह करती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि